हाँ बच्चों, आज मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक घना जंगल था। एक पेड़ पर कबूतर रहता था और उसके सामने ही एक बिल में एक चींटी रहती थी। एक दिन बहुत जोर की बारिश हुई और उस तेज बारिश में वो चींटी बह गई। लेकिन उस तेज बारिश में वो कबूतर बहुत मस्ती में उड़ता रहा। उसके पंख से टकराकर पेड़ का एक पत्ता टूटकर नीचे गिर गया। तुरंत उस चींटी ने उस पत्ते पर चढ़कर अपनी जान बचा ली। बारिश रुकने के बाद वो चींटी कबूतर से जाकर बोली, आपने मेरी जान बचाई है तो एक दिन मैं भी आपकी कोई ना कोई मदद करूंगी। तब उस कबूतर ने कहा, तुम तो जमीन में रहने वाली चींटी हो और मैं हवा में उड़ने वाला, तुम इतनी छोटी सी हो, मेरी क्या मदद कर पाओगी। और फिर एक दिन एक शिकारी ने उस कबूतर को निशाना बनाया। जब उस चींटी ने उस शिकारी को देखा तो वो उसके पास आई और उसे जोर से काट लिया। शिकारी का निशाना चूक गया और वो कबूतर बच गया। एक छोटी सी चींटी होकर भी उसने इतनी बड़ी मदद की, तो हम इंसान होकर उससे ज्यादा नहीं कर सकते। हम जब मुसीबत में होते हैं और अगर कोई उस वक्त हमारी मदद करता है तो हम उसकी कितनी भी मदद करें वो कम होगी, क्योंकि दूसरे की मुसीबत को अपनी मुसीबत समझने वाला इंसान इंसान नहीं, भगवान है। अम्मा, अरे गणेश, क्या हुआ? ऐसे कैसे गिर गया यार? चलो उठो, बैठ जा, तुझे पट्टी बांध देता हूँ। अब चल। तू मेरा बैग क्यों उठा रहा है? मुझे चोट लगी तो तूने मुझे पट्टी बांधी ना, तो आज से तू अपनी चिंता मत कर, तेरी चिंता मैं करूंगा। ऐसे क्या देख रहा है? आज से मैं चींटी और तू कबूतर। चल। क्या हुआ, रुक क्यों गया? आइसक्रीम खानी है क्या? खानी है तो चल खिलाता हूँ। एक और खाएगा? एक और दो ना अंकल। तो ये सब क्यों कर? मुझे चोट लगी तो तूने मेरे पैर पर पट्टी बांधी थी ना, तो खाना। डब्बे में और कितनी अंकल? इसे सारी दे दो, इनके पास बहुत सारी है, तुझे जितनी खानी है खा। बस कर यार। अरे और खाना। ए सीनू, लेना, देख तेरी आइसक्रीम पिघल रही है। बस ऐसा ही है, अपना ही एक गणेश, अगर उसने कुछ ठान लिया तो कभी भी पीछे नहीं हटता है। एक बार अगर किसी का इसने हाथ थाम लिया तो बहुत मुश्किल होता है इसे पीछा छुड़ा पाना, और उम्र के साथ साथ इसकी ये हरकतें भी बढ़ती गई। आइए देखते हैं। बाबू दे दो, बाबू दो 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 दो, बाबू दो। दुबई से सेंट लाया, जापान से पाउडर ला। बाबूजी, आपका पर्स। हाँ? क्यों बाबू ऐसे क्यों देख रहे हो? पर्स आपका नहीं है क्या? मेरी है। तो फिर पर्स दिया फिर भी पैसे नहीं निकाल रहे? प्रभु की कृपा है बाबूजी। दे दो बाबू, दे दो बाबू, दे दो बाबू, दे दो बाबू, दुबई से सेंट लाया। लोग डरते हैं मुझसे, तौबा 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 तौबा। दे दो बाबू, दे दो बाबू। सिनू, तेरी एंट्री सुपर हिट है सिनू। थोड़ा जोर से गाना। आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हो बाबू? इस एज में सुंदर लड़की के पीछे जाना चाहिए, भिखारी के पीछे क्यों पड़े हैं बाबू जी? पर्स चुराने वाले को तो बहुत देखा है, पर लौटाने वाले को पहली बार देख रहा हूँ। तो भीख देंगे क्या? अबे भीख नहीं, न्याय दिलाऊंगा। तेरे जैसे बंदे को ऐसा दिखना चाहिए, दिस इज लेटेस्ट टाइम। साहब साहब, मेरी शक्ल ऐसी हो जाएगी तो कोई मुझे भीख भी नहीं देगा। यस, तुझे डॉलर मिलेगा, भिखारियों का सुपरस्टार। साहब, टी पीने का पैसा नहीं है तो फिर ये टी-शर्ट क्यों? इस चेंज की वजह से तेरा रेंज और बढ़ जाएगा। अबे सुनना, वहाँ जो गाना गा रहा था वो फिर से गाना। कॉइन गिरने तक मेरी आवाज नहीं निकलेगी बाबू। ये ले पकड़। सिनेमा दिखाओ मामा, सिनेमा दिखाओ मामा, जब जब सीन आए सिटी बजाओ मामा। सिनेमा दिखाओ मामा, सिनेमा दिखाओ मामा, सिनेमा दिखाओ। हेलो। गाना गाऊंगा तो चेंज मिलेगा ये सोचा था, लेकिन लाइफ चेंज हो जाएगी ये कभी नहीं सोचा था। मैंने आपके लिए क्या किया था? मेरे गिरे हुए पर्स को तूने मुझे लौटा दिया। जब तूने मेरी मदद की तो मैंने तेरी मदद की, हिसाब बराबर। आपका नाम क्या है बाबूजी? बंदे को गणेश कहते हैं, निकनेम जैकी दादा। हेलो
का हेल्पर बन तू, हेल्प में आगे बढ़ तू, HELP स्पेलिंग पढ़ तू, चुटकी में सब कर तू, हेल्प जरा करके देख तू, सुकून लाइफ में भर तू, इश्काना है रिस्काना, ये चाल बन गया तू। मॉर्निंग जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग सर। प्लीज सिट डाउन। आज आप लोगों की पुलिस ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली है। आज लास्ट क्लास है, इसलिए एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से मिलवाता हूं। उसका नाम है वैरागी। वैजाग सिटी का किंग। वो किसी को नहीं दिखता है, कहां रहता है किसी को भी नहीं पता। इसका नाम है भवानी उर्फ बैगा। एक जमाने में यह बैजाग सिटी का बड़ा गुंडा था। 15 साल पहले इसे मारकर बैरागी बैजाग का किंग बना। बैरागी ने भवानी को किस वजह से मारा यह किसी को नहीं पता, लेकिन कहां मारा है यह सबको पता है। मार दिया सारी हम। अरे चलो चलो भागो भागो यहाँ से। कौन है रे? ये सामने आ। ए भवानी है मेरा नाम, सामने आता मैं तो। मेरा घी मेरे साथ चलो, चलो यहां से तुम। तुम वही हो ना जो मेरी दुकान पर काम करते थे? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। नहीं भाई, भाई भाई छोड़ दो मुझे। मैं भी बड़ा होकर उसके जैसा ही बनूंगा। तू बड़ा तो होगा पर उसके जैसा नहीं बन पाएगा। उससे भी बड़ा हो गया हूं मैं।
बचपन में तूने कहा था तू उसके जैसा बनेगा, तब मैंने तुझे पागल समझा था। बचपन से ही तू उसकी हरकतों पर ध्यान देता आ रहा है ताकि तू पुलिस के हाथों में कभी पड़ ना जाए, इसलिए पुलिस की ड्रेस पहनकर तूने उसके सारे लोगों को मार डाला। तू वाकई बहुत महान इंसान है। हे, आज से ही तू इस वैजाग सिटी का अकेला किंग है रे। इस किंग को तू रे कहता है? मैं कौन हूँ कल तक इस दुनिया को पता नहीं था, लेकिन आज के बाद किसी को भी मेरे नाम के अलावा कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। क्यों? मैंने बहुत दिनों की कोशिश के बाद उसे मारा है। ऐसा मौका मैं किसी को भी नहीं देना चाहूंगा। इस दुनिया में बैरागी हो या भगवान हो, उसके ना दिखने पर ही उसका डर होता है, भक्ति होती है। आज के बाद तू अब किसी को दिखाई नहीं देने वाला, सिर्फ तेरा नाम सुनाई देगा सबको। इसका मैं ध्यान रखूंगा। भवानी का खून करने के बाद बैरागी ने ऐसा पोस्टर पूरे बैजाक में लगाया था। इसी पोस्टर की वजह से यह पता चला कि उसका नाम बैरागी है। आज पहली बार तुम्हारा नाम पेपर में आया है। आज के बाद ऐसी खबरें सभी लोगों को हर दिन हर पल सुनाई देगी। आकाशवाणी का ये विशाखापट्टनम केंद्र है। कॉन्ट्रैक्ट के विवाद के चलते बैरागी ने भवानी को मार डाला। शहर के गली गली में गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, साथ ही बैरागी का नाम भी फैलता जा रहा है। किसी की नजर में नहीं आने वाला बैरागी बैजाक पे कब्जा कर लिया है। फिलहाल तो बैरागी कौन है, कहाँ रहता है, ये किसी को नहीं पता। कौन सा डील कैसे करेगा, उसके साथी कौन कौन है, ये भी नहीं पता। इतने बड़े नेटवर्क को वो कैसे हैंडल करता है, ये भी हमें नहीं पता। उसके खिलाफ बहुत सारे केस दर्ज हैं, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाए। इस बैरागी की वजह से हमारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट परेशान है। सर, उसके बारे में इतना सुनकर उसे एक बार देखने की इच्छा है सर। ओह प्लीज डोंट ट्राई इट, क्योंकि जो भी बैरागी को देख लेता है वो बच नहीं पाता। हेलो। हाँ पापा। हेलो बेटा। 15 साल के बाद तू वैजाग सिटी गया है, घर का काम तुमने अभी तक शुरू किया या नहीं? पापा थोड़ा बिजी था इसलिए उसके बारे में भूल ही गया। तुम कहाँ बिजी हो गए मैं ये जानता हूँ। इंग्लिश के HELP ये 4 लेटर जब तक तू भूलेगा नहीं ना, तब तक सुधरेगा नहीं, समझ गया? हेलो हेलो हेलो। उसका फोन ऑन है फिर भी वो कोई बात नहीं कर रहा है, देखो। मेरी लाइफ की वाईफाई, आखिर मेरा दिल कनेक्ट हो ही गया। ये वाईफाई अगर वाइफ बन जाए तो लाइफ एकदम सेट हो जाए। बहुत अच्छा होगा बेटा। मामा आप कल? ओए हम यहाँ लाइन पर हैं और तू वहाँ किसी और को लाइन मार रहा है। हेलो पापा, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, सिग्नल वीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। लगता है अपना बेटा हेल्पलाइन से बाहर आकर लव लाइन में गिर पड़ा है। सामने लड़की क्या आ गई तो बेटा माँ बाप की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। इस बारिश की वजह से कहीं सिग्नल मिस ना हो जाए। क्या बात है, ससुराल जाने के लिए रास्ता बहुत साफ नजर आ रहा है। डैडी चलती हूँ। हाँ ठीक है। कंप्यूटर क्लास जा रही हो? कराटे क्लास। ये क्या है पल्लवी, लड़कियों को टीवी देखकर खाना पकाना सीखना चाहिए। ये मार्शल आर्ट किस लिए बेटा? टाइगर हिरन को, सोसाइटी लड़कियों को हमेशा से कमजोर समझती रही है। इस साड़ी में तुम एकदम परी लग रही हो। मेरे गालों को छूने के लिए बेताब हो जा रही हो। तुझे क्या लगता है, तुझे कोई लड़की मार नहीं सकती क्या? ऐसे गुस्से में जब लड़कियां घूर के मुझे देखती हैं, तो मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। तू सच में मुझे मारना चाहती है, बोल ना। एग्जैक्टली 1 महीने बाद इसी दिन इसी वक्त और इसी जगह मैं तुम्हें मारूंगी। अब मैं अपना चैलेंज पूरा करने के लिए ही कराटे सीखने के लिए जा रही हूँ। मॉम देखा आपने, सुन लिया, आजकल ये मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती। तुमने कभी मेरी बात सुनी है क्या? हाँ? तुम सही कर रही हो बेटी। हाँ?
क्या लगती है यार ये कहाँ चली गई? गुड मॉर्निंग गणेश। हाँ अरे बाप रे इसको तो मेरा नाम भी पता है। मैं सब जानती हूँ गणेश। हाँ तुम हर पल सीसीटीवी कैमरे के जैसे मुझे देख रहे हो ना। अरे बाप रे मैं इसको देखता रहता हूँ ये भी इसको पता है। एक बात बताओ मुझे इतना प्यार करने के पीछे तुम्हारा लॉजिक क्या है? लव का लॉजिक क्या होता है? आई लव यू सो मच गणेश। अरे बाप रे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले इसने मेरा लव एक्सेप्ट कर लिया। अरे गणेश तेरी तो निकल पड़ी यार। बाय गणेश। ओ तेरी ये तो उस गणपति बापा को बोल रही थी इस गणेश को नहीं। शे अभी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा ही नहीं पहले ही ब्लॉक कर दिया। अरे आ गई। गुलाब के फूल के लिए कांटे का जख्म तो सहना ही पड़ेगा। ओके मैडम आप जाइए। लग जा पीछे। आईडी है क्या? वोटर आईडी भी है मेरे पास। अंदर वोटिंग नहीं फाइटिंग चल रही है जाना है क्या? अरे बाप रे मुझे गुलाब के फूल को हासिल करने के लिए लड़ाइयाँ लड़नी होंगी। चलो निकलो यहाँ से चलो जाओ जाओ एक बार देख कर आ जाता हूँ भाई। तूने बैंडेज लगाया ना चल तू खा। अरे बाप रे ये गणेश वापस क्यों आया? मुझे देख कर साला अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा है। अरे वाह लगता है चला गया। अच्छा उसने देखा नहीं आज नहीं तो अरे भाई गणेश कब आया तू? मैसेज भेजा था पढ़ा नहीं? मैसेज पढ़ा इसीलिए तो रिसीव करने नहीं आया। मुझे देखकर मुंह क्यों छुपा रहा था? अरे नहीं मेरा सिक्का गिर गया था उसी को ढूंढ रहा था। चवन्नी की अकल यूज करना छोड़ और ये बता यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ मैं ऑफिस बॉय की नौकरी कर रहा हूँ। तूने मुझे बताया नहीं यार। अरे बचपन में तेरे पैर पे पट्टी बांधी थी और तूने कहा था कि तू मेरी जिंदगी बदल देगा लेकिन तू भाग गया और मुझे यहाँ नौकरी करनी पड़ रही है। एक बात बता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मुझे ढूंढते ढूंढते आया है? अभी मैं तेरे लिए यहाँ नहीं आया हूँ एक कन्या अंदर गई है ना उसके लिए आया हूँ। मैं बच गया। अच्छा उसने तुम्हारी क्या हेल्प की? अबे उसने मेरी कोई हेल्प नहीं की। हाँ लाइफ में पहली बार किसी ने मेरे दिल के तार छेड़ दिए और जब से मैंने उसे देखा है मैं उस पर से अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा हूँ यार। तुम्हारी गर्दन अकड़ गई होगी। नेगेटिव फेलो वो मेरे दिल की प्यास है। और सीनो तू पानी की बोतल की तरह है मेरी मदद कर दे भाई। फिर से मदद? ए, तेरी मदद करूंगा तो तू फिर से मुझसे चिपक जाएगा। ये मुझसे नहीं होगा तू किसी और को पकड़ ले। ठीक है मदद मत कर अंदर जाने का रास्ता बता। ये कोई पार्क नहीं है जहाँ कोई भी अंदर जाए ये इंस्टीट्यूट है। तो इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट बना दे। सभी सीट पहले से ही फुल है तो कोच की नौकरी दिला दे। उसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो फिर मैं एमडी बन जाता हूँ। एमडी बनना कोई खाने की चीज है? तो ऑफिस बॉय बना दे यार। तो फिर मैं क्या करूंगा? अस्पताल जाकर इलाज करा। बचपन में तुझे चोट लगी थी तो मैंने तेरे पैर पे बैंडेज लगाया था। आज तूने मेरे पूरे शरीर पे बैंडेज लगवा दिया। तेरा बैंडेज ही मेरे लव के लिए एडवांटेज है। तूने मेरे लिए इतना किया वही काफी है। क्या कहा सच्ची मुच्ची? कभी तू वन पीस सीनू हुआ करता था मगर आज तू टूटा फूटा मगर अलग सीनू है। ओ तेरी ये आडा टेढ़ा किंग कॉन्ग की शक्ल वाला कौन है? यही है यहाँ का इंचार्ज और ऑफिस का मैनेजर भी। अगर इसे तूने मैनेज किया तो मेरे साथ रह पाएगा। ये ऑफिस बॉय टी लाने के लिए ऊटी चला गया क्या? चल चल इसकी टोपी उतार। ये तुम मम्मी के डमी कैसे बन गए? अबे बाकना बोल। आपका सर्विस फास्ट करने के लिए मैं सर्विस ऑटो में बैठा था। बैठने के बाद पता चला कि ड्राइवर फुल टू नशे में है। उसने ऑटो को डिवाइडर में चढ़ा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? मेरा पूरा शरीर डैमेज हो गया। मतलब तुम अभी आउट ऑफ सर्विस हो तो फिर यहाँ काम कौन करेगा? मैं कर लूंगा सर। तुम कौन हो भाई? इसका फ्रेंड हूँ सर। मैं हूँ गणेश। लोगों की तकलीफ करता हूँ लेस। बड़ा तकलीफ लेस करने पर तुम ऑफिस बॉय कम काऊ बॉय ज्यादा लग रहे हो। काऊ के बारे में तो नहीं जानता लेकिन जब पैदा हुआ तो डॉक्टर ने बॉय ऐसा कहा था। तुम तो पंच बहुत अच्छा मार रहे हो काम भी अच्छा करोगे ना? मैं ऐसा करूंगा सर कि आपकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ये कुछ ओवर ही करेगा। रेंज रोवर हूँ सर स्पीड थोड़ी ज्यादा। इसका काम तू क्यों करना चाहता है? इसका पेट्रोल खत्म हो गया है सर। इसका एक्सीडेंट हुआ तो मदद तो करूंगा ना। काम चोर दोस्त तो कई बार देखे हैं पर दोस्त के लिए काम करने वाला दोस्त मैं पहली बार देख रहा हूँ। धन्यवाद सर तुम्हारा कैरेक्टर बहुत क्लीन है। यहाँ सब कुछ क्लीन कर दूंगा एक बार छूने तो दीजिए। हाँ कर दो। ये कहाँ है? आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है मिस नहीं कर सकते। लेट्स गो। चल लेट्स गो लेट्स गो। लॉरी के सामने तो ये नींबू है और ये लॉरी को खींच के ला रहा है। कुछ तो झोल लग रहा है। ए, मास्टर के बारे में तू नहीं जानता। एक दिन मास्टर ने मालगाड़ी रोक लिया था। फिल्मी तकनीक से मालगाड़ी क्या प्लेन को भी रोक सकते हैं? क्या मतलब है तेरा? ये फिल्मी तकनीक है? बिल्कुल हॉलीवुड वाली। अब ये एकदम अलग टाइप की एंट्री करेगा जैसे हीरो करते हैं। अब ये क्या कर रहा है?
इसको तो मास्टर बोल रहा है, ये तो रिंग मास्टर लग रहा है। मास्टर, इतनी बड़ी लॉरी को आपने अपने लेफ्ट हैंड से कैसे रोक लिया? अरे बाबू, ये तो मुझे कोई भैंस चरवाने वाला लग रहा है, इसे तो मैं चारा खिला खिला के मारूंगा। बाप रे, ये लड़की इतनी छोटी सी बात पे ऐसा रिएक्ट कर रही है। जब मैं चाइना में था तो एक मार से चाइना की वॉल को गिरा दिया था। उसके बाद वहाँ मेरी मूर्ति बन गई और दीवार फिर से बनाई। या आपको देखकर तो सुपरमैन शर्मा जाएगा और बैटमैन डर जाएगा, कॉमन मैन तो मर ही जाएगा। अपनी इस प्यारी फीलिंग को अपने दिल में ही दबा के रखो, एक्सप्रेस मत करो बेबी। मास्टर, मैंने आपका परफॉर्मेंस डीवीडी में देखा है, लाइव कभी नहीं देखा। लाइव में अगर एक बार लाइव देखने मिल जाए तो। ये छगन रोमियो कुछ नहीं कर पाएगा, तुमको तो कुछ आता नहीं। इन लोगों को भी कुछ नहीं आता। यहाँ किसी को कुछ नहीं आता, हम जो बताएंगे वही कुंग फू कराटे ताइक्वांडो मार्लिन ब्रांडो। मटेरियल है नहीं और दुकान खोल के बैठा है। तेरी दुकान को अभी बंद करता हूँ। आजा आजा, परफेक्ट, गुड फीलिंग। किसे बैटिंग करने का शौक है? ये नया लड़का ऑफिस बॉय है मास्टर। क्यों भाई, क्लीनिंग करने आए हो या फिर बैटिंग करने आए हो? बैटिंग करने के बाद चैटिंग क्यों कर रहे हो? बाहर भेजो इसे। अभी के अभी नया ऑफिस बॉय कहाँ से मिलेगा मास्टर? मास्टर, आपको भी पेन होता है? एन पूछते हो, अगर सही जगह लगे तो ब्रूस ली को भी पेन हो जाएगा। डंडा पकड़ना भी आता है क्या तुम्हें? आता है सर, लेकिन डंडा गलत जगह पड़ता है ये नहीं पता था सर। अरे तुम लोग डिस्कशन बंद करो, पहले से रूल रेगुलेशन बताओ। ओके मास्टर। मास्टर जी, हमारी क्लास का दिन खराब हो जाएगा। आज का दिन खराब है, आज की क्लास कैंसल। मास्टर, आज तो आप लेग मूवमेंट सिखाने वाले थे ना? वन वीक तक नो मूवमेंट। गुड रनिंग मास्टर, नाइस मीटिंग यू। ए मिस्टर, भेजा नहीं है क्या? मेरा भेजा फ्राइंग पैन पर रखा हुआ है। मैं तुमसे क्या कह रही हूँ और तुम मुझसे क्या कह रहे हो? क्या हम लोग भेजे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं? तुमने क्लास को डिस्टर्ब क्यों किया? अरे क्लास को छोड़िए हुजूर, आपका फिगर एकदम क्लासिक है। मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या कह रहे हो, यही है ना आपके एक्सप्रेशन का मतलब? दोनों ही क्लास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना। तुम क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। स्टूपिड इडियट, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। देखो देखो गणेश, तुम इसे जल्दी से सजा दे दो। ये सुधर गया तो माफ कर देना, पर ये याद रखना कि इसने मुझे हर्ट किया है। सुन लिया ना? सुना वाली के। शट अप। एए, बैरागी का आदमी हूँ, तेलंगाना का रहने वाला। कितने का ये पैकेट? 10 रुपए का भाई। चल निकल। लेकिन क्यों भाई? बैरागी का आदमी हूँ, मेरे से पूछता है क्यों? देता हूँ भाई, ये लो भाई। क्या हो सुदर्शन रेड्डी? नमस्ते भाई। चल रहा भाई? नमस्ते। एए, मेरे सामने सिगरेट जलाता है रे। एए, लाइटर निकाल बे। अबे ऐसा घूरता क्या है रे बे? आंख निकाल के ऑमलेट बना दूंगा। मैं कौन हूँ पता नहीं है क्या रे? सही है बॉस, लाइटर मेड इन चाइना है क्या? सिगरेट भी तेरी, धुआं भी तेरा, पी ले। एए, ऐसे क्या घूर रहा है? अबे बाइक के साइलेंसर में तलवार छुपा के रखा है क्या बे? क्या समझता है मैं डरूंगा? बैरागी का आदमी हूँ, डरूंगा नहीं रे। हो गए वो टाइट। चल रे चल, ए चल रे आगे हफ्ता लेने का। ये रेड वाइन पी। अरे गणेश, तू हमेशा मुझे यही क्यों पिलाता है? बचपन में जब मेरा गला सूख रहा था तो तूने अंगूर का जूस पिलाया। 20 साल बाद उसका क्या होगा? वो सड़ जाएगा। यस, सड़कर उसका वाइन बनेगा। अगर इसे पियोगे तो चेहरा शाइन करेगा, उसके बाद किसी लड़की से लाइन क्लियर हो जाएगा। तेरा कर्जा इसी तरह चुका रहा हूँ। ये कर्जा नहीं है भाई, धोखा है। चुप है। तुझे धोखे और दोस्ती के बीच का फर्क ही नहीं मालूम है? वाइन पीले समझ में आएगा। नहीं यार, मैं ऐसे नहीं पीऊंगा, बिल्कुल नहीं। देगा, समझ गया ना? अरे यार, वो अपने मैनेजर के जैसा दिख रहा है ना। मैनेजर जैसा नहीं, मैनेजर ही है, ध्यान से देख। जल्दी व्हीलचेयर पे बैठ। चड्डी पहन के यहाँ घूम रहा, पिया हुआ लग रहा है। तू अभी तो यहाँ बैठा था ना? आपने पी रखी है ना? अरे बाप रे, इनको कैसे पता चल गया तू ऑफिस बॉय होकर दारू पी रहा है यहाँ पर? सिर्फ मैनेजर ही पी सकता है, ऐसा कोई रूल है क्या? सिर्फ यही रूल नहीं, रूल्स की पूरी लिस्ट है यहाँ पर। ये लिस्ट है या एवरेस्ट का पहाड़? इतना बड़ा होता है कहीं? हाँ होता है। ओए इतनी कवरिंग मत कर, इस कुंग फू पांडू कराटे स्कूल में काम करने के लिए इन सारे रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। पकड़।
बोतल दे। ये लो बचा हुआ माल। इस लिस्ट से मास्टर की लाइफ की मैं बैंड बजा दूंगा, अपनी डार्लिंग को अपना बना लूंगा। देखा ना, एक मंच में कैसे पेड़ को मार के गिराते हैं। ताली बजाओ। आपने इतने बड़े पेड़ को कैसे तोड़ा मास्टर? इसे तो असली पेड़ और नकली पेड़ का फर्क ही नहीं पता है। You're really great, master. आपकी बॉडी तो बिल्कुल ब्रैड पिट जैसी है। हाँ, लेकिन छोटा सा फर्क है, वो ब्रैड पिट है और ये बैड फिट। Shut up. मास्टर, आप ये बताइए, आपने इतने बड़े पेड़ को कैसे गिरा दिया मास्टर? कराटे से सब हो सकता है। ये तो कुंग फू था ना? कराटे, कुंग फू, ताइक्वांडो, मार्लिन ब्रांडो। ये तो हॉलीवुड एक्टर है। हाँ, वो भी मेरा शिष्य है। हे, तुम्हें मार्शल आर्ट के बारे में पता है? आपको डंडा आर्ट्स पता है? हे, आखिर तुम यहाँ करने क्या आए हो? रूल नंबर 44 के हिसाब से आपको 11 बजे जूस पीना है ना, तो दो ना। अभी 11 नहीं बजे। अभी 11 नहीं बजे तो फिर क्यों आए हो? देने के लिए रूल है, लेकिन आने के लिए नहीं है। अरे तुम, ए, क्लास चल रही है ना, तुम डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? अरे इसे छोड़ो, चलो अपना वर्क करते बेबी। इसे वर्क नहीं, वर्कआउट कहते हैं। शट अप। अरे बाप। मास्टर, उस तरह के पेड़ को तोड़ने की प्रैक्टिस मैं करूं क्या? नो नो, उसे भी जाने दो, अभी कुंग फू सैल्यूट सीखो। मुझे आपसे 3 फुट दूर रहना चाहिए, है ना? तू वही रह, मैं खुद आता हूँ, मैं खुद आता हूँ। फेंक मेरे मुँह में। नहीं मास्टर, नेक्स्ट रूल आपको नहीं पता है। मास्टर, अगर आप गलती से भी 3 फुट के अंदर आ गए ना मास्टर, तो मुझे आपको देख करके डरना चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बजा बजा। मास्टर, तो फिर क्लास कैंसिल। अभी तो ये नहाएंगे, अपनी जटाएं बांधेंगे, फिर आएंगे। भड़क गए क्या? सब लोग चले गए, अब कुछ बोलो ना। हमारी क्लास चलना तुम्हें पसंद नहीं है क्या? वो क्या है ना, मेरा अलग क्लास है, तो ये क्लास मेरी समझ में नहीं आता। तुम्हें सेंस है क्या? लाइसेंस भी है मेरे पास। मैं सेंस कह रही हूँ और तुम लाइसेंस की बात कर रहे हो? जब सेंस होता है तभी तो लाइसेंस देते हैं ना। नॉनसेंस। ओ, उसमें भी सेंस छुपा, ढूंढ के देख लो। गणेश। आगे गणेश जी, लो बात कर लो। मैं हूँ गुरुओं का गुरु, ज्योतिष में पारंगत, भूत भविष्य वर्तमान बताने वाला। जो हुआ वो बताऊंगा, जो होने वाला है वो भी बताऊंगा। ओ साहब, आपके चेहरे पर जो फायर है उसे टायर के पीछे छुपाने की कोशिश मत कीजिए। जैसे आप दिख रहे हो वो हो नहीं, और असल में आप जैसे हो वो आप दिख नहीं रहे। गुरु की शपथ खा के कहता हूँ, आपकी जिंदगी में अब मुसीबत आने वाली है। क्या बकवास कर रहा है, जाकर अपना काम देख। मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, इसे हल्के में मत लो। देख लिया आपने साहब, कौआ भी काँव काँव करके कुछ कहना चाह रहा है। हाँ हाँ बताओ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, आपकी जिंदगी में बैड टाइम की शुरुआत हो चुकी है। जिंदगी का पहिया चित्र विचित्र तरीके से घूमने वाला है, और जो पहिए को घुमाएगा वो आने वाला है। भैया, ये बैरागी कहाँ मिलेगा? बैरागी? मुझे नहीं पता। अरे भैया सुनिए ना, ये बैरागी कहाँ मिलेगा? बैरागी? मुझे नहीं पता। ए भाई, ये बैरागी कौन है? मैं कहाँ आया तू? अरे अलवर, छोड़ दो भाई। बैरागी का आदमी मैं। हेलो, क्या बोल रहा था तू? बीड़ी पीना बॉडी के लिए हानिकारक है। यहाँ कोई आवाज नहीं करेगा, बैरागी का आदमी हो क्या? नमस्ते भाई। है क्या परेशानी है, कौन है तू? नहीं, आपका फैन हूँ बस। मेरा फैन? शाहरुख और सनी लियोनी के फैंस हो सकते हैं, तो बैरागी के फैंस क्यों नहीं हो सकते? क्या बात बोली है तूने। चल बता, मुझे सेल में आपका एक फोटो चाहिए। एक मिनट भाई, रेडियो के आता हूँ। हैं, अभी लो भाई मेरा फेवरेट नंबर। मुझे जेल के सेल में नहीं, आपकी वांटेड वाली फोटो नहीं, अपने सेल से सेल्फी लेनी है। अब भाई गलत समझ लिया, मुझे बचपन से कुछ ऐसी आदत है। पकड़ भाई।
वो क्या है ना, मैं वार्ड मेंबर के लिए चुनाव में खड़ा हूँ। मेरा निशान हांडी है भाई। अगर आप हांडी में बैठ के फोटो खिंचवाएंगे तो उस निशान को देखकर लोग मुझे वोट देंगे। बैलेट बॉक्स में सिर्फ मेरे ही वोट पड़ेंगे और मैं जीत जाऊंगा। हांडी वाले पोज में क्या लग रहा है? पोज अच्छा है ना? एक यहाँ से ले लो भाई, साइड पोज भी दीजिए ना। ये वाली कैसी है? अगर आप मेरी मीटिंग में बैरागी भाई को बुला देंगे ना तो मुझे कुछ वोट मिल जाएंगे। बुलाइए ना बैरागी को, ऑटो रिक्शा जो बुला लेगा है अब वो ऑटोमेटिकली आएगा। अरे आग क्यों लगा दिया? अरे बुझा नहीं थे। अगर खाना पकाना हो तो आग तो लगानी पड़ती है। अगर वो 10 मिनट लेट हुआ तो इसमें तेरा बटर चिकन बन जाएगा। मुझे मुर्गा समझा है क्या? बैरागी का आदमी हूँ। कूल कूल ब्रो कूल। अबे कूल रहने के लिए एसी में बिठाया जाता है, तूने तो मेरे नीचे आग लगा रखी है बे। अगर तुम्हें इतना जल रहा है तो खुदक के बाहर आ जाओ ना। जल्दी से किसी को कॉल नहीं किया तो मुर्गा बना के खा जाएगा ये मेरा। हेलो। अबे ओ कंट खजूरे, वक्त से पहले पैदा होने वाले कहाँ है तू? ए कौन है बे तू? अबे यहाँ मैं मुर्गा बोल रहा हूँ, तू मेरा इंट्रोडक्शन पूछ रहा है? अबे भैंस भी तुझसे गोरा ही होगा बे। सड़क से गुजर जा तो तेरी गन से लोग चक्कर खा के नीचे गिर जाते हैं बे। अरे बता ना कौन है? अबे भाई को फोन दे। अरे कौन से भाई? नमस्ते भाई, नमस्ते भाई। तू तो अपरिचित का बाप लगता है, अपने टोन को रिंग टोन के जैसा क्यों बदल रहा है? कुछ नहीं है भाई, आपका एक लड़का आपको देखने के लिए बहुत तरस रहा है भाई। कहाँ है तू, बता जल्दी। फूल मार्केट के बाजू के गली में हो भाई। ले भाई, भाई अपने लड़कों को भेज रहा है यहाँ पे। कमर के नीचे मेरा सब कुछ जल रहा है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकाल ले भाई, बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज। अबे हवा क्या कर रहा है, निकाल ले मुझे। लगता है भाई थोड़े से बिजी हैं, इसीलिए ये लेजी लोग आए। अब ठीक है चलता हूँ। हेलो, हम कोई फिल्म देखने नहीं जा रहे, भाई के पास जा रहे हैं, अभी तुझे पता चलेगा। ए, मास्क दे। ये अच्छा है। अच्छा है ना, चल बाय। अब चल। अरे बाप रे, कहीं गलती से नंबर भाई को तो नहीं लग गया था? फिर से एक बार कोशिश करता हूँ, यही कहीं बज रहा है। भाई को कॉल किया था, कल खजूरी को कहाँ से लग गया? नमस्ते सर, कॉल मैंने ही किया। ए, मेरे बचपन में मेरे माँ बाप स्कूल टीचर और फिर मेरी बीवी ने भी मुझे इतना बुरा कभी नहीं बोला। चल बोल, फोन क्यों किया था मुझे तूने? नीचे का जल रहा था इसलिए कॉल किया। अबे तेरा तो नीचे जल रहा था लेकिन मेरा तो दिल जल रहा है। ए कांस्टेबल, इसे हांडी के साथ उठा के ले चल। हेलो, बैरागी कहाँ है? सुन, तू बाहर बैरागी के बारे में पता कर रहा था ना, इसीलिए भाई ने तुझे बुलाया है। बैरागी किधर है? बैरागी किधर है, ऐसा पब्लिक में पूछता हुआ फिर रहा है, अब बता। ऐसा क्यों? अरे भाई मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, इसमें तुमको क्या प्रॉब्लम है? बैरागी ही प्रॉब्लम है, उसने मेरे बाप को मारा, मैं उसे खत्म कर दूंगा, उसके खून से पिता के फोटो पे तिलक लगाऊंगा, उसके कुर्सी पे कब्जे का इंतजार तुम्हें 15 सालों से कर रहा हूँ। वाह क्या मकसद पाला है? तेरी वजह से हमें खतरा है, तू अपनी इंक्वायरी बंद कर दे पूरी तरह से। मैं उसका नाम लेकर इंक्वायरी करता हूँ तो प्रॉब्लम है? तो फिर मैं उसकी फोटो लेकर इंक्वायरी करता हूँ, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फोटो क्या रे? बैरागी कैसा दिखता है मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी फोटो मेरे पास है, उसके फोटो के जरिए इंक्वायरी करके उसे ढूंढता हूँ, उसे खत्म करते वक्त तुझे बुला लूंगा। पूरी फिल्म लाइव देखना, थोड़ा कॉपरेट करना। फोटो दिखा, तलाशी ले। ये फोटो बिल्कुल उसी की है, जाके ठोक डाल उसे, ठीक है? ओरिजिनल फोटो दिखा। अगर मुझे टपका दिया तो तुझे बैरागी से कौन मिलाएगा? हम दोनों का दुश्मन एक ही है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। प्लीज यार फोटो दिखाना। फोटो दिखाऊं तो मुझसे पहले उसे टपकाएगा। उसे मारने वाला कोई भी हो, उसके मरने के बाद कुर्सी मेरी होगी। तुझे बदला लेना है तो तू ले उससे, लेकिन याद रखना तू अकेले नहीं मार पाएगा बिना मेरी मदद के। आज से हम दोस्त हुए। जिसकी कोई मदद नहीं करता उसकी ऊपर वाला करता है। चल साथ में ढूंढते हैं उसे। अरे बच गया बेटा।
उसके सामने आपका सर झुकाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। hey, वैरागे के मिलने तक इसकी जरूरत है, बस वो मिल जाए उसके साथ साथ इसे भी काट डालूंगा। मेबी इसे देख के तुम्हें क्या समझ में आया? यही कि आपको मच्छरदानी की जरूरत नहीं है मास्टर। इसका शॉर्टकट लॉक कट नहीं समझ में आया, इसको ऑटोमेटिकली डायरेक्ट गियर में डालना होगा। ये तुम्हें तलवार लग रही है क्या? नहीं, ये है हमारी खानदानी अगरबत्ती। पुराने जमाने में चाइना के लोग डेंगू के डर से घर के अंदर जाके छुप जाया करते थे। हमारे दादाजी तलवार लेकर लाखों मच्छरों का सर काट कर 40 लोगों की जान बचाई थी। एक छोटा सा मच्छर उनकी यहाँ गर्दन पे बैठ गया और जब वो उस मच्छर की गर्दन काटने गए तो दादाजी ने अपनी ही गर्दन काट ली। उसके बाद दादा, मच्छर और डेंगू तीनों हो गए ऑल आउट। तभी से मच्छरों को मारने वाली कंपनी हमारी फैन हो गई बेबी। आओ, इसलिए ये मर्म कला बहुत खतरनाक है और मच्छरों को मारने वाली धर्म कला है। अभी मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ। तलवार को इस तरह से ऐसे पकड़ते हैं, दूसरे हाथ को ऐसे पकड़ना चाहिए, इस तरह से निकालना चाहिए, पोजीशन को सेट करके उसे इस तरह से सही जगह पर रखना चाहिए। दरवाजे पे नॉक करके आना चाहिए, धक्का देके नहीं। क्या कर रहे हो बदमाश? मम्मी नहीं 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 मम्मी। मास्टर, पेट पे सॉस की थैली क्यों बांधी है? बीच में खाते रहते हैं क्या? अरे बेवकूफ, ये पेट से नहीं मेरे पॉकेट से निकला है। ये बता तू यहाँ आया क्यों है? बता ना। रूल नंबर 64 में क्या है? पूरे दिन में शाम के वक्त आपको 4 बादाम खानी है। ये लीजिए, खा लीजिए। इसमें तो 4 बादाम होने चाहिए थे, वो कहाँ है? रूल के नीचे ब्रैकेट में क्वालिटी बादाम देना है ऐसा लिखा हुआ है, तो टेस्ट करने के लिए मैंने खा लिया। अरे फिर तुम्हें दूसरे 4 लाने चाहिए थे ना। रूल के हिसाब से सिर्फ 4 ही देना है, आप कल खा लेना। क्यों भाई, क्यों मेरी जिंदगी के साथ खेल रहे हो? मैं जाग में तो क्या मेरे जीवन के साथ खेलने आए हो? एक क्लास फिगर। मास्टर, इसने मुझे आंख मारी। मास्टर क्यों रे तूने इसको आंख क्यों मारी है? मुझे आंख मारने की क्या जरूरत है? मैं सिर्फ रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। मैं एक इज्जतदार परिवार से हूँ। इज्जतदार परिवार? और तुम कौन सा रूल फॉलो कर रहे हो? रूल नंबर 64 के हिसाब से अगर कोई 9 फीट के फासले पर आपके करीब आता है तो मेरा काम है एक नजर उस व्यक्ति को देखना। तो जब एक आंख बंद करके देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैंने उसे आंख मारी हो। सर सर सर, थोड़ी देर पहले यहाँ एक आदमी बैठा हुआ था। बता सकते हैं वो कहाँ गया? कौन? यही है वो आदमी। ये कौन है और तुम कौन हो? मुझे क्या मालूम, मुझे परेशान मत करो। सर 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 प्लीज बताइए। हिंदी आती है ना तुम्हें? कहा ना नहीं पता। आजा मेरे प्यारे चाइनीज नूडल्स। इतने दिनों से मैं इसे बेवकूफ समझ रहा था। बंद करो। क्यों मास्टर? थर 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 कांप क्यों रहे हैं आप? ठंड लग रही है ना? डर लग रहा है। तलवार? हाँ तलवार है, पर इससे आपको क्या तकलीफ? क्यों रे, 3D में तलवार घुमाते हुए मैंने 2D में तुझे देखा है। मुझे सच बता, तुझे मार्शल आर्ट आती है ना? अरे नहीं नहीं मास्टर, मुझे फाइन आर्ट्स आता है। पर अभी तुझे नीचे कर रहा था वो क्या था? मैं नीचे अमरूद काट रहा था। नीचे अमरूद काट रहा था? तो आपको क्या लगा मास्टर? नहीं, 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 नहीं। इसे फिर से काट करके दिखा दो। देखो, नहीं नहीं नहीं, मैंने एक ही बार में सारे कारनामे देख लिए, दोबारा नहीं देखना मुझे। मैं तेरी तरह ग्राफिक्स नहीं, ओरिजिनल हूँ। ये साले 4 मच्छर मेरी डार्लिंग को काट रहे थे, इसीलिए मैंने इन 4 को काट डाला। मुझे तेरी नियत में अगर खोट नजर आई तो तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। मेरे प्यार के मामले में उंगली मत घुसेड़ना। गुरु है तो गुरु की तरह रहे, वरना पूरी इज्जत उतार दूंगा। भाई
यहाँ मच्छर कुछ ज्यादा ही है। इस कॉइल को जला के सो जा। ठीक है आयुष्मान भवा। हम तेरे बिन। ए गणेश, तुमने मेरी क्लास में ना आने के लिए मास्टर को धमकी दी है। ऐसा उसने बोला? तुम इस इंस्टीट्यूट में क्यों आए हो? मेरे सपने पर तुमने पानी फेर दिया। तुम्हारी लाइफ में कोई गोल नहीं है क्या? गोल क्या, गोल्ड भी है मेरे पास। तुम मेरी लाइफ के बीच में गोलकीपर जैसे आ गए। थोड़े दिनों पहले जो तूफान आया था तुम उसमें बच क्यों गए? उस दिन मैं आउट ऑफ सिटी था। मार दूंगी अगर ज्यादा बात की तो। चुप रहो, तुम जैसों से तो बात करना ही बेकार है। ठीक है तो इनसे बात कर लो। गणेश भगवान जी, मैंने सच में आप पर बनी हुई फिल्म 100 बार देखी है। अगर आप मुझे अपना सच्चा भक्त मानते हो तो आप अभी इसी वक्त क्या इसका हाथ पैर हार्ट किडनी आंखें बॉडी के सारे पार्ट्स खराब कर दीजिए। गणेश, गणेश, अरे बाप रे, इसे क्या हो गया जी? गणेश, यू आर फिनिश। अरे गणेश, अरे तुझे कुछ नहीं हुआ ना? मुझे लगा तू तो गया। मैं नहीं बल्कि वो गई। शाहरुख खान के जैसा तूने मस्त एक्टिंग किया है। अपन तो बाजीगर भी और डॉन भी। सत्यनाश, आपने कभी देखा इसे? नहीं नहीं, मुझे नहीं मालूम। यार वो यही कह रहा था आसपास में, पता नहीं है क्या? मुझे कुछ नहीं पता। नमस्ते सर, नमस्ते सर। अरे तुम, अरे कब से हंडिया में फंसा हुआ है? अब तक बटर चिकन नहीं बना तेरा? रॉन्ग नंबर पे फोन किया तो एसआई को फोन लग गया। वो एसआई नहीं कसाई है। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी लाठियों से एक एक करके धो डाला मुझे। भाई आपने मुझे इसमें घुसाया है। ऊपर तो तोड़फोड़ हो गए, नीचे का पार्ट बचा है भाई। अब भाई एक बार बताओ, उस दिन आपको कोई लेकर गया था? कहाँ लेकर गया था? बैरागी के पास ले गया था। तुमने बैरागी को देखा है क्या? हाँ मैंने उससे बात भी की है। बात भी की है उससे? वो क्या है कि ये फोटो दिखाकर उसे अर्जेंटली उठा के लाने को कहा है। कहीं तो देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा। एक बार ठीक से याद कर ले भाई। दो पैग अंदर जाएगी तो याद आ जाएगा। क्या कहा? नाबालिग है क्या? हाँ, लोगों की खोपड़ी पीने के बाद टल्ली होती और तेरी चार्ज होती। हाँ अबे मोटे, इतनी सारी पी चुका अभी तक याद नहीं आया? भाई आपको देखकर मुझे अपने दादाजी की याद आ रही है। हाँ? बिल्कुल तुम्हारी तरह पूरी की पूरी बोतल पिलाते थे। चखने के लिए बिस्किट खिलाया करते थे छोटे छोटे भाई। क्या कहा, बिस्किट? चखने में बिस्किट खिलाते थे? यहाँ बैठकर पीने से याद नहीं आ रहा है, झूले पर चलते हैं। भाई क्या हुआ, याताश्त आ गई? बताओ ना। नहीं गई। क्या गई? फोटो। अगर फोटो गवा दी तो तेरी जान ले लूंगा। भाई मिल गई। से मेरा भाई, दाढ़ी भी है इसकी, उसे तो कोई जानता नहीं भाई। इसे ढूंढेंगे तो कम से कम कुछ लोग बता तो देंगे भाई। भगवान जी आप यहाँ क्यों? किसी और को याद कर रही थी बाली को? आप भी पंच मार रहे हैं भगवान जी? जब से पैदा हुआ हूँ तब से पंच मार रहा हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पापा ये है मेरी लाखों में एक भक्तिन। भगवान जी पार्वती मम्मी नहीं आई आपके साथ? गणेश इसका जवाब दे। दरअसल मम्मी इस वक्त सीरियसली सीरियल देख रही हैं। डिस्टर्ब किया तो सीरियस हो जाएंगी, इसीलिए साइलेंटली आ गए। आप लोगों के यहाँ भी केबल कनेक्शन होता है क्या? हम लोग स्टारों के बीच में रहते हैं, सारे कनेक्शन डायरेक्ट हैं, इसीलिए पहले टेलीकास्ट हमारे यहाँ होता है, बाद में सब जगह होता है। आप यहाँ क्यों आए भगवान जी? तुम उस गणेश को जानती हो ना? वो एक सेंसलेस, केयरलेस, यूजलेस, नॉनसेंस। आपके डैडी ऐसे हाई जंप क्यों कर रहे हैं? हाई जंप नहीं बालिके, हाई बीपी है। तुमने गणेश को ऐसा वैसा कहा, तुमने इनके भक्त की बुराई की है, इसीलिए इनको हाई बीपी हो गया है। पापा का परम भक्त है वो। उस गणेश को इस गणेश से ज्यादा प्यार करते हैं ये। डैड की 3 आंखें हैं लेकिन गणेश इनकी 4थी आंख है। तुम्हारी वजह से ही उसके हाथ पैर खराब हो गए। हाँ भगवान जी, वो सब आपके ही पावर से हुआ। इसीलिए मेरे पापा ने मेरा पावर कट कर दिया। अब सुनो,
तुम्हारी वजह से मेरा पावर रिवर्स हो गया है। मैं बिना पावर का ट्रांसफॉर्मर बन गया हूँ। मेरा पूरा पावर ट्रांसफर करने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। वो क्या है भगवान जी? उस गणेश की खूब सेवा करके उसकी तबीयत को साधारण कर दो। यदि उसके हाथ पैर ठीक हो गए तो मेरा पावर मुझे वापस मिल जाएगा, वरना जेनसेट से चलना पड़ेगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए भगवान जी, मैं उसके हाथ पैर ठीक करके आपका पावर आपको दिलवा दूंगी। मेरी बात को विश्वास कीजिए भगवान जी, इट्स माय प्रॉमिस। वेदर ठीक नहीं है, तुम्हारी मम्मी ने मैसेज भेजा है, चलो चलते हैं। आप लोग भी सेल फोन इस्तेमाल करते हैं? ओनली आईफोन। तुम जरा पलटो तो हम गायब हो जाएंगे। आप कैसे जाएंगे भगवान जी? चूहे पर बैठ के जाएंगे? आज चूहा तो छुट्टी पर गया हुआ है, इसीलिए हम यमराज से बाइक उधार लेकर पृथ्वी लोक पर आए हैं। पापा ये बताइए टाइम क्या हुआ? 2:30 होगा। तो चलिए ना। बैठ गए ना। अरे गणेश, तुम अपने पापा को छोड़ कर जा रहे हो? भगवान की लीला तो अपरंपार है। अरे देख वो आ गई। हाँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ। अरे ये फोन पकड़। अबे एक्टिंग शुरू कर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, ये मरा है ये जिंदा है ये देखने आई हो? एक्चुअली मुझ में इतना पावर है ये बात मुझे पावर पता नहीं थी। मैंने तो बस उस दिन ऐसे ही बोल दिया। तो आप क्या करने का इरादा है? मैं आपकी सेवा करके आपको पहले जैसा बिल्कुल ठीक कर दूंगी। कैसे करोगी? आज से मैं आपको चलने की प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है। आपको खाना भी अपने हाथों से खिलाऊंगी। मैं खा लूंगा। तो फिर ग्राइंडर कहाँ है? वहाँ पड़ा है, देखो ना। ये ग्राइंडर है? मेरी मॉम ट्रेंड फॉलो नहीं करती, ट्रेडिशन फॉलो करती है, इसीलिए ये मिक्सी है, ये वॉशिंग मशीन है विद वाटर टैंक, और ये वैक्यूम क्लीनर। शुरुआत क्लीनिंग से करें? अगर मेरी माँ इसे काम करते हुए देखती तो इसे अपने घर की बहू समझती, नौकरानी समझती। अरे 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 अरे, ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। थैंक यू, वेलकम। आपके हाथ पैर को कुछ भी नहीं हुआ था? वो क्या है कि आपको गिरते हुए देखा ना, तो शॉक ट्रीटमेंट से ठीक हो गया और दौड़ते हुए आपको बचाने आ गया। हेलो। हे, तुम मुझे भूल गई लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। तुम्हारे दोस्त तुम्हारा वेट कर रहे हैं मेरे पास, आजा। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, उसे नहीं तुम्हें मारना चाहिए। मुझे नहीं उसे मारना चाहिए, चला जा। तू आ गई, ये हमें कब से परेशान कर रहा है? मुझसे बचने के लिए ये तुझे साथ लेके आई है क्या? मैं लेडीज के लफड़े में नहीं पड़ता, तुम आपस में समझ लो भाई। ये तुम क्या उससे कुछ मत बोलो, अपना मामला खुद ही निपटाओ। चलो आ जाओ, ये इनका आपसी मामला है। दरअसल क्या है कि मैंने इनसे कोई सेवा वेवा नहीं करवाई है, बल्कि ये एक मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग का अहम हिस्सा है। मर्द इंस्टीट्यूट में जाके मार्शल आर्ट सीखता है, लेकिन औरतों को वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। फाइट सीखने के लिए घर में ही सब कुछ है। जैसे सील बट्टे में चटनी बनाते हो ना, पलटे से हलवा बनाते हो ना, फाइट में भी ऐसे ही खेलना है। सबसे पहले एक काम करो, उसको कपड़े की तरह सुखा कर उस पर क्लिप लगा दो, फिर पंच मारो या बाएं हाथ का चाटा मारो, चॉइस तुम्हारी है। आजा। तुम तो सुपर वुमन निकली। और तुम जानते हो तुम सुपरमैन हो? मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो? हम दोनों सुपर के बारे में ही बात कर रहे हैं। मेरा डायलॉग मुझ पे ही।
my darling, go lingo lingo ling. What a feeling, go lingo lingo ling. You are my darling, go lingo lingo ling. What a feeling, go lingo lingo ling. बैरागी, आज तो बहुत खुश नजर आ रहा है। आज सुबह एक नमूना मिला जो अपने आप को बैरागी का आदमी कहता था। वो मुझे ही धमकाकर पैसे लेकर कमीने को खत्म कर देना था। अपने ही नाम के खौफ से मुझे डरना अच्छा लगा। भगवान कैसा होता है ये तो आइडिया लोगों को जरूर होगा, लेकिन बैरागी कैसा है ये किसी को नहीं पता। इसका जो नशा है वो किसी भी चीज में नहीं मिलता स्वामी। स्केच बनाया है। किसने बनाया है? पता लगा उसका। हेलो, ये सब क्या हो रहा है सर? क्या हुआ? मुझे एक आदमी ने बैरागी का फोटो दिखाया और मुझसे पूछने लगा कि बैरागी कौन है। मेरी परीक्षा लेने के लिए आप ही ने किसी को भेजा था क्या? तू पागल हो गया है क्या? मैं किसी को क्यों भेजूंगा? वो अभी कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं पता है। उसे देखेगा तो पहचान लेगा ना? हाँ, पहचान लूंगा। तुम्हारा स्केच बनाने वाले को 24 घंटे के अंदर लाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। फोटो तो नहीं मिल रही है भाई, लेकिन उसे कहाँ देखा है ये याद आ गया। कहाँ? कनकराज की दुकान के पास। बैरागी को सिगरेट पीते हुए हमारे आदमी ने इसी जगह देखा था। यहीं उसने मुझे फोटो दिखाई थी। उसे यहीं कहीं होना चाहिए। उसे आसपास कहीं ढूंढेंगे तो वो जरूर मिल जाएगा। Thank you.
यहाँ पे बड़ी पब्लिक इकट्ठी है, चल क्या रहा है? वो एक आदमी का स्केच बनवा रहा है, कहता है कि जो उस आदमी के बारे में बताएगा उसे वो 50,000 देगा। 50,000? ये इलाका अपन का है, कोई धंधा हो कोई चंदा हो मेरा राज चलता है भाई, समझे क्या? अभी वो स्केच बना रहा है, बाद में देख कर बता देना। बता देता हूँ, 50,000 रेडी कर ले, बैरागी का आदमी हूँ, चल ले चल चल। हाँ बिल्कुल यही है वो, उस दिन इसी को मैंने देखा, वो देखो उधर वही है वो। ए मोटे, अरे भाई आप हाथ में बोलो भाई। कल तक उस फोटो वाले को सिर्फ मैं अकेला ढूंढ रहा था, लेकिन अब उसे 50 लोग ढूंढ रहे हैं, पीछे देख पूरी बारात खड़ी है। तूने जो जगह बताई वहां तो देख लिया, अगर तुझे कहीं दिखाई दे तो बिना लापरवाही किए सीधा फोन करना। तेरा नंबर लिख ले मेरा। अबे तुझे बोल रहा है, नंबर लिख। 897-818। हेलो, कौन? तुम्हारा फ्रेंड हूं मैं। फ्रेंड? हम दोनों का दुश्मन जब एक ही है तो मैं तुम्हारा फ्रेंड ही हुआ ना। कौन दुश्मन? बैरागी। जैसे तुम उसे मारना चाहते हो मैं भी उसे मारना चाहता हूँ, मगर हिम्मत नहीं है उसे मारने की। तुझे तो बस इतना ही पता है कि वो कैसा दिखता है, मगर वो कहाँ रहता है ये भी मुझे मालूम है। वो अपने सारे डील्स पहाड़ के ऊपर ही करता है, और डील के लिए वो ऑलरेडी निकल चुका है। 1.25 घंटे में वो वहां पहुंच जाएगा। बैरागी, तुम्हें मारने वाला बैच वही है। वही है बैरागी, तुम्हारी फोटो लेकर इंक्वायरी करने वाला। ए, उस बैरागी को मारने के लिए मैंने अपने बाप की कुल्हाड़ी पर धार करवाई है। इसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है, इसका मतलब वही है वो बैरागी। पहले उसे फिर बाद में इसे भी खत्म कर देंगे। वो खुद मौत के पास भाग कर आ रहे हैं बैरागी। मेरे एक वार से 10 गर्दनें कटेंगी, तू डर जाएगा, अपनी आंखें बंद कर ले सत्या।
इतने लोग तुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, फिर भी तू सही सलामत है। ये देख इनका क्या हाल बनाया मैंने। आज के बाद तेरे ऊपर कोई भी आंख उठाने की कोशिश करेगा तो उसका यही असर करूंगा, परलोक पहुंचा दूंगा उसको। क्या है कि अगर मेरी कोई छोटी सी भी मदद करता है तो मैं उसकी लाइफ सेट कर देता हूं, और तूने मेरी कोई मामूली हेल्प नहीं की है। दोस्त आज के बाद तू मेरा गॉड है और मैं तेरा बॉडीगार्ड हूं। एक बार तू अपनी जिंदगी की चाबी मुझे दे दे, फिर देख इन जैसे लोगों की जिंदगी पर कैसे ताला मारता हूं। तू स्टेप बाय स्टेप मेरा कमाल देखता जा, ये तेरी रक्षा करेगा बेटा। समझ में नहीं आता मैंने उसके लिए किया क्या है। मुझे बिना बताए तुमने उसकी कोई मदद की? मैं कोई संत नहीं हूँ जो मदद करूंगा, मैं एक गुंडा हूँ। लेकिन उसे देख करके तो ऐसा लगता है कि उसकी कोई बहुत बड़ी वजह है। वो जिससे मिलता है, जिससे उसकी जान पहचान है, और जो भी उसके रिश्तेदार हैं, उन्हें यहाँ लेकर आओ। इंस्टीट्यूट खोलने के बाद ज्वाइन होने के लिए इतने सारे लोग पहली बार आए हैं। वैरागी भाई ने बुलाया है, चलो। जैकी चैन, शाहरुख खान और मैं कहीं नहीं जाते, उन्हें ही यहाँ लेकर आओ। एक घर घर जाकर के सिखाने वाला मैं कोई सेफ मास्टर नहीं हूँ, स्टंट मास्टर हूँ। ए देखो, समुद्र के पास तुम गए तो मजा आएगा, और वही समुद्र अगर तुम्हारे पास आएगा तो सजा। वैसे भी तुम्हें इस उम्र में मार्शल आर्ट की क्या जरूरत, वार्म अप करने से पहले ही तुम आप हो जाओगे। टेस्ट अच्छा नहीं है। क्या हुआ? तू बैरागी को जानता है ना? बैरागी मैं तो जानता ही हूँ, उसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, और वो मेरा नाम सुन के डर जाता है। पागल कहेगा, यही है वैरागी ये। अगर ये वैरागी है तो मैं बिल ला देनू, समझा? मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई भाई। तेरा ऑफिस बॉय गणेश कहाँ है? अरे बाप रे, तुम्हें भी परेशान किया। एक बात बताओ भाई, सिम जहाँ होता है ऑटोमेटिक नेटवर्क वही पकड़ता है, अगर उसकी लबर को एक छोटी सी भी खरोच आ जाती है तो वो वहाँ जरूर पहुँच जाता है। अभी वो लड़की का दुष्टों से दूर रहा करो। अरे रुको 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 भाई भाई भाई, यही है गणेश की लबर का घर। एक्चुअली वो पहले मुझसे प्यार करती थी, बाद में उसकी लबर बन गई, मतलब जमीन हमने तैयार की और खेती वो कर रहा है। मुझ में क्या कमी है भाई, हमारी जवानी में घुन लगा है, बेजाक सिटी में चोटी रखने वाला पहला मर्द हूँ। अरे बाप रे बाप, इस घर में मेरी जाने मन रहती है, उसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। उसकी टांगे केले के तने जैसी हैं, उसके लिप्स गुलाब के फूलों के जैसे खिले हुए हैं। भाई आप कुछ भी करो, उस गणेश को खत्म कर दो और उस लड़की का हाथ मेरे हाथ में दे दो। भैया वो सच बोल रही है क्या? मैं जिसको लाइन मार रहा हूँ वो सांड की बहन है। मेरी बहन से कोई प्यार करता है ये बात तुम लोगों को पता होते हुए भी मुझसे छुपी रही, इसका जवाब है तुम्हारे पास? चुप हो जा, तू जिसे प्यार करती है उसे भूल जा, बहुत जी लिया, मार डालूंगा उसे। इसने अपने बाप को नहीं छोड़ा तो मेरा क्या हाल करेगा? अरे बाप रे, भाई सॉरी भाई, कसम से मुझे नहीं पता था कि वो आपकी बहन है, कुछ मुझसे गलत निकल गया तो माफ कर दो। क्यों बैरागी, इसे खत्म कर दूं क्या? क्या बक रहा है, तुम्हारी बहन मेरी बहन नहीं है क्या? तुम्हारी माँ मेरी माँ नहीं है क्या? तुम्हारी बीवी मेरी बीवी नहीं है क्या? बोलो भाई बोलो। बहुत चालाक है वो, मुझे टारगेट बनाने के लिए उसने मेरी बहन को ट्रैप किया, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। हाँ? इस बार मैं यहाँ आपके लिए नहीं आया हूँ। तुम्हें फोन करके मैंने ही बुलाया है, तुम जिसे प्यार करते हो वो मेरी बेटी है, तुम जिस बैरागी को ढूंढ रहे हो वो उसकी बहन है। मतलब बैरागी आपका बेटा है? वो क्या है ये जानने के लिए तुम्हें पास्ट जानना होगा। कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। नमस्ते। Happy married life. Thank you very Thank much. You. तुम्हारी एक बेटी है ना, कहाँ है वो? हमारी बेटी? हमारी बेटी? हमारी तो भी शादी हुई है, हमारी बेटी कहाँ से आ जाएगी? तुम्हारी शादी हुए 8 साल हो गए,
और तुम्हारी बेटी को हुए 7 साल हुए। लगता है पागलखाने से सीधे यहीं आया है। चलो, हमारी शादी को 8 साल हुआ है और हमारी एक बेटी भी है। बहुत सोच समझ कर मैंने अपनी बहन के लिए तुम्हें सिलेक्ट किया है। फ्यूचर में वो मेरे रास्ते का रुकावट बन सकती है, इसलिए आज से तुम दोनों ही उसके माँ बाप हो। उसकी परवरिश अच्छी तरह से करना, तुम्हारी जरूरतें पूरी होती रहेंगी, वरना बैरागी को देखने वाला आज तक जिंदा नहीं बचा। अच्छा, हमारी बेटी कहाँ है? इस तरह सहस्त्रा के साथ साथ ये सारी दौलत भी मुझे मिली। जो कुछ भी है सहस्त्रा के वजह से है। उसने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ तुम्हारे अलावा। उसे कहीं दूर लेकर चले जाओ बेटा, और शांति से अपना जीवन जियो, क्योंकि बैरागी कितना खतरनाक है ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। सहस्त्रा तुम्हारा इंतजार कर रही है। Hey! क्यों भाई, मुझे को ढूंढ रहे हो ना? इतनी तकलीफ क्यों ले रहे हो? एक कॉल कर लिया तो मैं खुद आ जाता। कल सुबह NTR सेंटर के सामने सावित्री होटल में मिल लेते, जरा जल्दी आना, नाश्ता साथ में करेंगे। बैरागी का आदमी हूँ, बाप रे, यही है बैरागी। भाई 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 भाई, बैरागी आप ही हो भाई। इतने दिनों से आपके नाम के सहारे जी रहा भाई। चुप करो तुम लोग। भाई 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 भाई, अबे बेवकूफ क्या औलादो, ऐसे घूर के क्या देख रहे हो? बताना चाहिए था ना कि यही अपने बैरागी भाई। मारो भाई, मारो मुझे, खूब मारो भाई, ऊपर से मारो भाई, भाई मारो भाई। बैरागी इसका फोन। Hey! क्या भाई, आपका पोस्टर तो ब्लॉक बस्टर है। हाँ भाई, माफ कर दो भाई, पब्लिक रिस्पॉन्स सॉलिड है। असम से बोल रहा हूँ। कहाँ है तू? ST वाले जंक्शन पे तुम्हारा पोस्टर लगाने की टेंशन में हो, यहाँ आ जाओ ना भाई। वहाँ से हिलना मत, मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं बैरागी, पूरी सिटी में लोग आज तुम्हें पहचान पा रहे हैं। ये सब उसी की प्लानिंग की वजह से है। उसे जो भी करना था कर चुका वो, अब मुझे जो करना है करके दिखाऊंगा। राइट हो या रॉन्ग मुझे नहीं पता, लेकिन हर एक ऑटो पे तुम्हारी फोटो लगा दी। कहाँ है तू? मेन चौराहे पे तुम्हारी फोटो देख के लोग सीटी बजा रहे हैं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है यार। मैं पहुंच गया, कहाँ है तू? अरे पलट, तेरा ध्यान किधर है भाई? अबे है किधर तू? मैंने कहा पलट, तेरा ध्यान किधर है भाई? बैरागी भाई को पकड़ने के लिए इसने मेरे को ही उल्लू बनाया। नया पोस्टर निकला हीरो, ऐसा ही लगाना भाई, जरा एक फोटो हो जाए। ए मोटे तू भी आजा भाई, हाथ डालो ना। अरे हिलना मत। अब ये फोटो को मैं इंटरनेट पे डाल दूंगा तो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो जाओगे। ट्विटर में ट्वीट्स होंगे, फेसबुक पर लाइक्स होंगे, व्हाट्सएप पे कहेंगे व्हाट्सएप। चलो ताली बजाओ। इसके बाद तो तुम्हारी वाट लग जाएगी, मतलब इतने फेमस हो जाओगे कि हर जगह बैरागी ऐसे शेर की तरह खड़ा हुआ मिलेगा। भाई आपको पता है लोग कवर पेज पे रहना चाहते हैं, और आप हो कि लास्ट पेज पे ऐसे खड़े हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगा भाई। इसीलिए आपके पोस्टर से पूरी सिटी में पब्लिसिटी कर डाली। तू कौन होता है मेरे पोस्टर लगाने वाला? फैन, बैरागी फैन। मैंने ऐसा क्या किया है? क्यों, फिल्मों में एक्टिंग करने वालों को ही फैन होते हैं? आपने मेरी रियल लाइफ में जान बचाई, इसलिए मैं आपका फैन हूँ। अरे ऐसे घूर घूर के मत देखिए, आपको ऐसे देख के मुझे डर लगता है। तू क्या बक रहा है, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा।
कब बचाई थी मैंने तेरी जान? आप भूल गए भाई, आज से ठीक 15 साल पहले उस जापानी गार्डन में उस भवानी के साथ मेरी नोकझोंक हो गई थी। उस दिन क्या हुआ था? मुझे मारने की हिम्मत किसने की? मैंने ही मारा अंकल, सॉरी, बॉल दे दीजिए। क्या हुआ अंकल? सॉरी बोलने से बात खत्म हो गई। सॉरी कह रहा है तो इसे क्यों मार रहे हो? तू कौन है रे? मैं इसका फ्रेंड हूँ। वो ना मेरे पैर पर चोट लगी थी तब इसने बैंडेज बांधी थी। इसे कुछ मत कहना, छोटी सी तो चोट लगी है, दवा लगा लो ठीक हो जाएगी। ऐसे नु बॉल लेकर आ। मैं कौन हूँ तू जानता है क्या? नहीं जानता हूँ, और अगर जानता तब भी ऐसे ही बात करता। अगर इसे कुछ भी किया तो चुप नहीं रहूंगा। हाँ माँ, मैंने उसे मारा, क्या कर लेगा तू? अभी कुछ नहीं करूँगा, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और तू बूढ़ा हो जाएगा तब मैं आकर तुझे मारूंगा। तू कैसे बड़ा होगा? मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगा। ऐसे लोगों को मार मार कर तुम बैटमैन बने, लेकिन मेरे लिए गॉडमैन बने। अब किसी को भी मारने से पहले उसके आसपास वाले को पहले मारूंगा। रुको रुको, आ जाओ। अरे गणेश सुनो, मैंने बेंगलुरु के लिए 2 टिकट बुक किया है। बैरागी कहने से पहले तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। इसका टिकट भी बुक कर लेना। तेरी बहन मुझसे प्यार करती है, भागने की सोच रही है मेरे साथ। हिम्मत है तो रोक ले। वैसा कहूंगा यही सोच रहे हो ना? सहस्त्रा तुम्हारी बहन है, ये पता चलते ही मैंने अपने लव को लॉकअप में डाला और इसके साथ जो भी मेमोरीज थी उसे डिलीट कर दिया। तेरी बहन से ज्यादा मुझे तुझसे प्यार है, अभी तक नहीं समझा? तेरे लिए अपने प्यार को कुर्बान किया, मेरे लिए तू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लव मेरे लिए आम है और तू मेरे लिए खास है। तेरी लाइफ तू मुझे सौंप दे, दिंका चिका कर दूंगा। A for अपने, B for बैरागी को, C for छोड़ेंगे नहीं। पिछले 15 सालों से जो बैरागी आज तक कभी किसी को नजर नहीं आया, आज वही बैरागी हर किसी को नजर आ रहा है और उसकी झलक पाने के लिए शहर के लोग बेताब हैं। बैरागी, खत्म कर दूंगा तुझे। अरे भाई टीवी तोड़ोगे क्या? अरे यहाँ बिल भरने के पैसे नहीं है और तुम टीवी तोड़ रहे हो। उसे नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा उसे। उसे मारने से पहले उस गणेश को मारना चाहिए। उस कमीने की वजह से बैरागी मिस हो गया, इस बार दोनों को एक साथ खत्म कर दूंगा। फैन का स्विच ऑन करो भाई। हाँ। मेरे लिए एक बार ऑन करो भाई। हाँ। इस फैन को तो चालू नहीं कर पा रहे और वो तो बैरागी का फैन है, उसे कैसे मारोगे भाई? चुपचाप टैबलेट खा लो। उन दोनों की मौत मेरे ही हाथों होगी। नसीब खराब होता है तब ऐसा ही होता है। कभी टॉर्च लाइट के जैसे किसी को नहीं दिखाई देता था, लेकिन अब स्ट्रीट लाइट के जैसे रोड पर आ गया। आ, देखा भाई, तुम्हारे बाहर आते ही हर तरफ खामोशी छा गई। कौवा भी कांव कांव करके उड़ गया, लेकिन जाते जाते वो मुझे कुछ बता गया है। उसका और तुम्हारा जरूर कोई लिंक है। अब क्योंकि कौवा शनि देव का वाहन है, पहले ये आया तो शनि देव भी आएंगे। बैरागी बाहर आके पूरे शहर में घूम रहा है, अभी तक उसे किसी ने क्यों नहीं क्या पकड़ा? को लगता है आप उन्हें पकड़ पाएंगे सर? उसे पकड़ने के लिए दिल्ली से एक विशेष ऑफिसर आ रहे हैं, उनका नाम है के कटप्पा। पुलिस की वर्दी में साक्षात शेर है वो। उनकी एंट्री के बाद नो कमेंट ओनली मूवमेंट। बैरागी, हिरण तब तक जिंदा रहता है जब तक शेर से सामना नहीं होता। शेर के सामने आते ही खेल खत्म। अगर मैंने गोली चलानी शुरू कर दी तो शमशान में जगह कम पड़ जाएगी। अभी तक मैं 999 एनकाउंटर कर चुका हूँ। अरे ये कोई MRP है जो बार बार रट रहा है? ऐसे ही काउंटर पे होता है एनकाउंटर। जब मैं बोलता हूँ तो सबको अपना मुंह बंद रखना चाहिए, एकदम खामोश।
एक बार जब मैं स्क्रीन पे आता हूँ तो राइटर की लाइनों की जगह अपनी लाइनें बोलता हूँ। समझ में आया कि नहीं? यू आर अंडर अरेस्ट। कोई ऐरा गहरा नहीं हूँ, कटप्पा कटक कटक कटप्पा हूँ। तू कटप्पा हो या खाली डिब्बा, खाकी वर्दी पोस्टमैन भी पहनता है, रिक्शे वाला भी पहनता है। अब क्या बताऊं, सभी दिखते हैं सेम टू सेम। कौन है रे तू? मेजर। जय हिंद। इतना कड़क सैल्यूट क्यों मारा? 18 के बाद तो सभी मेजर होते हैं ना। हम लोग मिलिट्री का मेजर समझ रहे थे। आप लोग तो ऐसे ही समझोगे ना, लेडी को देखकर कैदी समझते हो, पिलर को देखकर किलर समझते हो, अंधे और बहरे हो तुम। कंफ्यूज मत करो, कन्विंस करो। ये भाई बैरागी है, ये सबूत है क्या तुम्हारे पास? सिनेमा के पोस्टर के जैसा पूरे शहर में पोस्टर लगाया इसने। हाँ, सुल्तान फिल्म के पोस्टर पर मैं अपनी फोटो लगाऊंगा तो क्या मैं सलमान खान बन जाऊंगा? लॉजिक है। हाँ? तो ये कौन है? भाई राजू। बेसिकली ये अनावरम के हैं, सेटल हो गए चिनावरम में। ये रहा आधार कार्ड, ये वोटर कार्ड, पैन कार्ड। तो ये तो सच में भाई राजू है। इसके पीछे गुंडे लोग घूम रहे थे, ये सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है और रिकॉर्ड को कोई बदल नहीं सकता। जी जी, गुंडे उंडे नहीं, इनके रिलेटिव्स हैं, इनकी जॉइंट फैमिली है। माँ बाप, चाचा चाची, मामा मामी, साला साली, बड़े भाई छोटे भाई, भांजा और भतीजे। आप हैरान हो जाएंगे सर, बहुत बड़ी फैमिली इनकी। इतने लोगों को फैमिली नहीं कहते, मोहल्ला कहते हैं। अरे वाह, हीरो की लाइन पर क्या पंच मारा मैंने। अगर सच में फैमिली मेंबर है तो कहीं तो इसका घर होगा जहाँ ये अपने परिवार के साथ रहता होगा। चलो दिखाओ इसका घर। सर देखिए, यही है इनका घर, भाई राजू वृंदावन। मैकेनिक का काम करने वाले का इतना बड़ा घर? वो क्या है ना भाई, दिन में पंक्चर बनाते और नाइट में वेंचर करते। अगर घर में इसकी फैमिली नहीं मिली ना तो तेरे भाई को शहर में दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। ये बैरागी है या भाई राजू अभी पता चल जाएगा। चलो अंदर। बाल गोपाल तेरे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। अरे मुर्गा गया, अरे मुर्गा गया, अरे मुर्गा गया तेरी पड़ोसन का, अरे मुर्गा गया तेरी पड़ोसन का, अरे मुर्गा गया तेरी पड़ोसन का। अरे चुप हो जा, ऐसा बेसुरा गायक मैंने आज तक नहीं देखा। कौन है तू? शंकर कुमार हूँ साहब। दिखने में तो गोल मटोल गणेश जी के जैसा है, इसका नाम शंकर किसने रखा? इसकी माँ शंकर जी की फिल्म देख रही थी उसी वक्त ये पैदा हो गया सर। ये लोग कौन है? ये लोग कवि हैं सर, राजा राम, मोहन राम, सीता राम। रोड पर झाड़ू लगाने वाले जैसे दिख रहे हैं, कवि कैसे होगा? सर दिखने में ऐसे है, बाकी बहुत इज्जतदार लोग हैं ये। मुझे तो ये कहीं से भी इज्जतदार नहीं दिखते, बात करता है। अब इस गधे को कैसे यकीन दिलाऊं? ए रुको, लग रहा है जैसे सूटकेस को सूट पहनाया हुआ है। कहाँ जा रहा है? ऑफिस में सर। म्युनिसिपल ऑफिस? क्या सॉफ्टवेयर ऑफिस में? तेरी दाढ़ी तेरे गेटअप से मैच नहीं कर रही। कुंडली है कि मैच होगी? देखिए, ये साहब डॉक्टर हैं। यस सर, आई एम डॉक्टर मनोहर नायडू, न्यूमरोलॉजिस्ट। दरअसल ये न्यूरोलॉजिस्ट है, इनकी जबान फिसल गई। अरे जा भाई। हेलो, दीवार पूरा बाहर तो रहता है, बहुत चीज़ ठीक ठाक है। ये मैं समझ गया, क्रिकेटर के साथ इंजीनियर भी, ये क्या कॉम्बिनेशन? एक्चुअली ये लोग क्रिकेट स्टेडियम को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। सर, इन लोगों को मैकेनिकल इंजीनियर बनाने के लिए भाई राजू को मैकेनिक बनना पड़ा सर। चलो जाओ तुम लोग। हाँ, जा रहे हैं। यार घर में सब जेंट्स ही है या लेडीज भी? लेडीज पराए मर्दों के सामने आती नहीं, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स। वो लोग ऑर्थोडॉक्स है तो मैं मैड मैक्स। कौन है ये लोग? हम सब एक ही फैमिली की लेडीज हैं। तुमसे पूछा क्या? तो दरअसल पुलिस के सामने सच बोलना पड़ता है। अब ये क्या है? लगता है जैसे आईपीएल जीत कर आए हो और ये आरती लेकर आई है। वो क्या है ना सर, भाई इतनी मेहनत करके आए इसीलिए बहन आरती उतार रही है। भाई बिन लादेन के जैसा दिखता है और बहन ब्रिटिश की रानी के जैसी, ये क्या कॉम्बिनेशन है? आप चलो भाई। पहले अपना दाया पैर अंदर रखिए भैया। वैरागी की मार खाकर इसके ब्रेन का एक नस कट गया है। ये कब कनेक्ट होता है, कब डिस्कनेक्ट होता है, इसे भी नहीं पता। ये कौन है? मैं यहाँ क्यों हूँ? पंडा हूँ ना, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। अब ये लोग कौन है? भाई के मदर और फादर हैं। तो ये लोग कौन है? बिग मदर बिग फादर। मतलब? हाँ जी सर। मतलब बड़ी माँ बड़े पापा। वो लोग स्मॉल मदर। हाँ और सर, स्मॉल मैं फादर। यहाँ हूँ। मतलब चाचा चाचा। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल सही पकड़े हो, तूने अच्छा मैच किया। आऊं। ये कौन है? बिजली के खम्भे के जैसा हमेशा इसके पीछे क्यों खड़ा रहता है? मारुति नाम है इसका, हमेशा भाई के साथ हनुमान की तरह रहता है। और ये कौन है? ये गुड्डू मारुति, सन ऑफ मारुति। अच्छा एक बात बता, इतने सारे लोग अचानक यहाँ क्यों आए? शादी के लिए सर। किसकी? भाई की। इसकी? जब बकवास कर रहा है, इसे कौन अपनी लड़की देगा? भाई डाल दो क्या? अब ये क्या बोल रहा है?
ये कह रहा है एसी डाल दूं क्या? दरअसल क्या है, आपको बहुत गर्मी हो रही ना इसलिए। हाँ, ठीक है। इवेंट मैनेजर के जैसा सब कुछ मैनेज कर दिया। अच्छा तू इन सारे लोगों का क्या लगता है? अब क्या बोलूं यार? मेरे होने वाले पति सर। हाँ? ये क्या है, ये तो बहुत शर्मा रही है। लव मैरिज है ना? नहीं। यहाँ कोई भी एक भी रिश्तेदार नहीं है। ये पागलों जैसी हरकत करने वाला कौन है? इस घर का नौकर। कौन है रे नौकर? अगर मैंने जुबान खोल दी तो तेरा काम तमाम हो जाएगा। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। पहले नीचे उतरो। ये साला कहीं गड़बड़ ना कर दे। तो मैं क्या बताने जा रहा था सर? चाय। चाय पीते पीते मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है रे? लेमन टी सर। तेरी शक्ल के जैसा घटिया है। आप पी लो सर। मैं तुझे बताता हूँ कि चाय कैसे बनानी चाहिए। आधा लीटर दूध लेकर उसे गैस पे रख दो, उसमें थोड़ा सा शक्कर और चाय पत्ती डाल दो। जब वो अच्छी तरह से पक जाए तो उसमें थोड़ी सी अदरक डाल दो। अब उसे पका के अच्छी तरह से पियोगे ना तो वर्ल्ड कप जीतने जैसी खुशी मिलेगी। अच्छा तू तो कुछ सच बताने वाला था ना? अच्छा वो सच बोले तो अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन बोले तो अच्छी एक्टिंग। वो नहीं, कुछ और सच बताने वाला था ना? ओह अच्छा वो चाय बनाना, वो तो मैंने इसको सब कुछ बता दिया। रेल इंजन का साउंड हो या चाहे फायर इंजन का साउंड हो, मेरे मारने के बाद साउंड ऐसा ही होता है। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? क्यों तुझे नहीं पता जो मुझसे पूछ रहा है? अरे है कौन? ये हमारे मास्टर हैं। कौन सा मास्टर? रिंग मास्टर। रिंग मास्टर है तो पागलों जैसी हरकतें करेगा? इसका पैर फिसल गया था, गिर गया था। पैर फिसल कर गिरा तो ऐसे बात करेगा? ये थर्ड फ्लोर से गिरा था। थर्ड फ्लोर से गिर के ऐसे बात करेगा? मैं रिंग मास्टर हूँ ना तो कुछ करता करके दिखाता हूँ। अरे बहुत हो गया, जा यहाँ से। अच्छे से बोल जाता हूँ सर। अब आपकी समझ में आ गया ना, ये बैरागी नहीं भाई राजू, ये क्लियर हो गया ना? अब आप जा सकते हैं सर। तूने जाने को बोला इसलिए नहीं जा रहा, मैं यहाँ वापस आने के लिए जा रहा हूँ। ये बात याद रखना, फिर आऊंगा, यहाँ जरूर आऊंगा। अगर मुझे सबूत मिल गया कि ये भाई राजू नहीं बैरागी है तो इसके पीछे सबको लाइन में खड़ा करके एक गोली मारूंगा, सब मर जाएंगे। लाइन हार्ट अटैक। चलो हट। चलो सर हटो। हट भाई, हट। भाई आपको लगता है मैंने ये सब कट्टप्पा से डर के किया है? बिल्कुल नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता आप इस तरह अकेले रहते हैं, इसीलिए आपके लिए फैमिली सेट कर दी। दादी को ज्यादा ही स्पीड में जा रही है। धक धक धूम। थैंक्स गणेश। आप किस लिए? मेरे भैया पहले इस घर में कभी नहीं आए थे, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आई एम सो हैप्पी टुडे। तो इस मौके पर तुम्हें एक ट्रीट दूं? कैसी ट्रीट? ट्रीट यानी? मुझे लगा खाने की या पीने की होगी, लेकिन ये तो बहुत भाड़ू ट्रीट थी, कोई देख लेता तो। अब तो हमारी शादी होने वाली है। हाँ, लेकिन मैं तो समझा था कि ब्रेकअप हो गया। When you are in love, lockup, there is no breakup. नाच रे मायूरी, अरे नाच रे मायूरी, नाच रे। तुम सब लोग यहाँ पर क्या करने आए हो? अरे भाई वो गणेश है ना, वो अपन के पास आया था अपन से बात करने के लिए। क्या बोला उसने? तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया गया है कि बैरागी भाई तुमसे बात करना चाहते हैं। फिर क्या बोला? उसने बोला क्या? वही तो बोला। वही तो क्या बोला उसने? उस बैकग्राउंड म्यूजिक में कुछ सुनाई नहीं दिया। हा? हा? तो तुम लोग रोए क्यों थे? उस म्यूजिक में मस्त फील था भाई। यहाँ ये बैकग्राउंड म्यूजिक। नमस्ते मास्टर जी। हाँ आजा सीन वाजा। माँ जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। हम गांव से आ रहे हैं ये जानकर भी हमारा बेटा हमें स्टेशन लेने नहीं आया, इस बात से मुझे बड़ी खुशी है। क्यों मास्टर जी? बेचारा प्रेम करने लगा है ना, लड़की के साथ बिजी होगा। बिजी है ये तो सही है, लेकिन लड़की के साथ नहीं, बैरागी के साथ। बैरागी मतलब वो अभी तक उस बैरागी को भूला नहीं है? आपने बचपन में वो कहानी सुनाई थी ना चींटी और कबूतर की, आज उसी कहानी पर वो फिल्म बना रहा है। बैरागी ने उसकी जान बचाई, ये बात उसके दिल पर असर कर गई थी और उसकी तस्वीर लेकर उसकी हेल्प करने के लिए घूमता फिर रहा था। इसे अवॉइड करने के लिए मैं अपनी ट्रांसफर लेकर भद्राचलम चला गया था, पर इतने सालों के बाद भी वो बात उसे याद रहेगी ये मैंने सोचा नहीं था। लेकिन उसने तो सोचा, यही है उसका कैरेक्टर बैरागी। आज के दिन पूरे शहर में इसी बात की चर्चा होती रही, कुछ लोग इसे ही बैरागी मान रहे हैं और कुछ लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट कह रहे हैं, पर इसके बारे में अब चैनल चेंज करो, मुझे मेरा सीरियल देखना है। मेरा चैनल लगा, मेरा फेवरेट सीरियल है, पहले मेरा फेवरेट चैनल लगा। तूने अब तक मेरा चैनल नहीं लगाया, जल्दी लगा, क्या कर रहा है? अंकल अंकल मेरा टॉय खराब हो गया, ठीक कर देना प्लीज अंकल। सत्या
हाँ बैरागी, इसी वक्त इन सबको बाहर निकालो वरना मार डालूंगा सबको। कुछ दिन और झेलो बैरागी, अगर कटप्पा को यकीन हो गया कि तुम वही वैरागी हो तो अब तक का सारा किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। ऐ, तू ही उसे बैरागी बनाकर बाहर लेकर आया और तूने ही उसे भाई राजू बनाकर उसकी फैमिली भी बनाई, अब आगे तो क्या करने वाला है? बता। शेर को घास खिलाओगे तो वो नहीं खाएगा, खिलाने वाले को खा जाएगा। आखिर तू ऐसा क्यों कर रहा है यार? अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। यार तेरा सेटिस्फैक्शन फैक्शन से भी ज्यादा डरावना लग रहा है। ओह देख, ये सब बहुत हो गया। अब बंद कर ये सब। ए, मैं सब सुन रहा हूँ। तुम लोगों ने जितना खुराफाती प्लान बनाया है वो सब मैं एक एक करके बता दूंगा। मैं अभी जाके बैरागी भाई को बताता हूँ, अब भी बताता हूँ। उधर गणेश तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल रहा है और तुम यहाँ बच्चों के साथ खेलने में लगे हुए हो। ए पागल, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? ए मामू, बंद कर अपना भोपू। तुम्हारे साथ गणेश क्या करना चाहता है तुम्हें कुछ पता भी है? करना क्या चाहता है तू? ये देखो, मेरा फोन हमेशा ऐसे ही टाइम में बज जाता है। जस्ट वेट वन मिनट। हेलो हेलो, मैं मानसा रिसोर्ट से बात कर रहा हूँ। मसाज रिसोर्ट से? मसाज रिसोर्ट नहीं, मैंने कहा मानसा रिसोर्ट। सॉरी, बोलो। आप हमारे रिसोर्ट में आएंगे तो ड्रिंक फ्री, चखना फ्री, मसाज फ्री और साथ में लेडीज भी फ्री। सॉरी सर, लेडीज द्वारा मसाज फ्री। मतलब टोटल फ्री। बोलो मैं कब आऊँ? आपको जब मूड हो तब आ जाइए, मूड आउट हो तो चले जाइए। ऑलरेडी रास्ते में कार में हूँ, फोन रखो मैं पहुँचा। क्यों भाई, मुझे क्यों बुलाया? मुझसे कुछ काम था क्या? अबे तू ही तो मुझे कुछ बताने वाला था। बॉडी मसाज के साथ ड्रिंक फ्री है, चलोगे क्या? तो तू चलेगा क्या? ओके गाइज, मैं चलता हूँ। कटप्पा का फोन आया है। गुड मॉर्निंग सर। मैं जिसे फोन करता हूँ उसका बैड मॉर्निंग होता है। इस कटप्पा का नाम सुनते ही पंछी भी पानी नहीं पीते। आपका नाम सुन के क्यों पिएगा? जब प्यास लगेगी तब पिएगा ना। कहाँ हो? घर में ही ना। अब आप अभी बिल्कुल मत आइएगा, हम लोग अभी घर पर नहीं, हम लोग बाहर हैं। तो तुम लोग कहाँ हो? सुबह सुबह सारे मर्द लोग वॉकिंग करके, फिर जॉगिंग करके, अभी आपके साथ फोन पर टॉकिंग करके बाजार में बस एंट्री कर रहे हैं। इस बाजार में एड्रेस बड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको मिल नहीं पाएगा। मजाक के हर एक बाजार को मैं जानता हूँ, तुम लोग कहाँ हो ये बताओ, मैं अभी वहाँ आता हूँ। हमारे घर से निकलकर ईस्ट की तरफ जाके एग्जैक्टली राइट लेना होगा। वहाँ पर कौन सा बाजार है? वहाँ एक चाइना बाजार है, वहाँ से यू टर्न ले लीजिए। फिश मार्केट आएगा, एक 25 केजी मछली लेकर आऊं क्या? वेजिटेरियन मछली कैसे खा सकते हैं? अरे इसने तो जबरदस्त पंच मारा। हाँ, एक दो कदम आगे बढ़ जाइए फिर राइट ले लीजिए, वहाँ पर तो सब्जी बाजार आएगा। सही कहा आपने, आप वहाँ नहीं आ सकते, फासला बहुत लंबा है। बिल्कुल गलत, मैं अभी वही हूँ। तुम लोग कहाँ हो ये बताओ? यहाँ सब्जी मिलती है ना, हम लोग वहीं पर हैं सर, सब्जी बाजार में। सब्जी बाजार में सब्जियाँ ही मिलती हैं, कूलर और फैन नहीं। तुम लोग कहाँ हो ये बताओ? कटप्पा जी, मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। आप वहीं रुकिएगा, मैं बस दो मिनट में पहुँच रहा हूँ, जाना नहीं है। ओके बाय। दो मिनट में तो फ्लाइट भी नहीं पहुँचा पाएगी। हाँ। समझ गया ना कितनी स्पीड में जाना है हमें, चलो जल्दी। हेलो कटप्पा जी, कहाँ हो तुम लोग? आपके पीछे है सर। कहाँ हो तुम लोग? आप कहाँ देख रहे हैं सर? आगे देख रहा हूँ। हम पीछे हैं तो आप आगे देख रहे हैं? अरे पीछे देखिए ना। क्या कहा, पीछे? यहाँ भी नहीं हो। आप कहाँ देख रहे हैं सर? पीछे घूमकर आगे देख रहा हूँ। आपको आगे देखने के अलावा पीछे देखना नहीं आता है क्या? मुझे क्या तुम उल्लू समझ रहे हो? कटप्पा हूँ। एक बार पीछे मुड़के देखिए कटप्पा जी। है ना? अभी तो तुम लोग यहाँ नहीं थे। आप आगे देख रहे हैं इसलिए हम आपको दिखाई नहीं दे रहे। आप पीछे मुड़कर देखा तो दिखाई दिए। हाथ में थैली देखकर तो यकीन करो सर, हम तो सब्जी खरीद रहे हैं। सब्जी खरीदने के लिए इतने सारे लोग? तो क्या हुआ, मैंने कहा ना हम जॉइंट फैमिली है, छोटे से छोटी चीज भी खरीदनी तो हम साथ में ही जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग सब्जी खरीदने नहीं चोरी करने आए हो। क्योंकि जब से तुम लोग इस बाजार में आए हो ये चोर बाजार लग रहा है। जबान संभालिए इंस्पेक्टर, ये क्या कह रहे हैं आप? फेस देख कर प्रोफेशन, ड्रेस देख कर डेफिनेशन, आईज देख कर आइडेंटिफिकेशन, जस्ट ऐसे ही देख कर जस्टिफिकेशन। रॉन्ग है। फर्स्ट वेरिफिकेशन, नेक्स्ट कंफर्मेशन, उसके बाद नोटिफिकेशन। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ कन्फ्रंटेशन। इफ यू आर पुटिंग मी इन इरिटेशन, माय एंगर विल बिकम सेंसेशन। स्टॉप योर ओवर एक्शन। आई एम एन ओशन, आई हैव वन स्टेशन, दैट इज पुलिस स्टेशन। यू आर इन फ्रस्ट्रेशन। चुप हो जाओ, वो कितना खतरनाक लग रहा है, शक्ल से ही वो सब्जी खरीदने वाला नहीं लग रहा। खाली पकड़ गाली मत दीजिए सर,
ये 24 कैरेट का सोना है। मुझे तो ये कहीं से पीतल भी नहीं दिख रहा, तुझे ये सोना कहाँ से लग रहा है? ये क्या कह रहे हैं आप? बैंगन में कभी गन रहती है क्या? नारियल में नारी होती है क्या? दूधी और ककड़ी का आपस में कोई रिश्ता है क्या? बताइए मुझे। समंदर और जहाज हमेशा साथ रहते मगर उनके बीच कोई रिश्ता है क्या? तू कैसी बात कर रहा है? तू क्या कह रहा है? तेरी समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। मतलब ये खूनी नहीं भोला है, मैं कैसे यकीन करूं? हमारे भाई राजू इतने भोले हैं सर कि बिपाशा बासु को देखकर बस समझ के उसे पकड़ नहीं जाते। आप अगर हैंड्स अप कहेंगे तो थम्स अप या सेवन अप समझ लेंगे सर। भाई को सिर्फ खाने से मतलब है, पीने से इनका कोई लेना देना नहीं है। गुण शेखर से गुण, विनायक से विनय, और इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तब बनते हैं भाई। न्यूज कवरेज से ज्यादा तो इसे कवर किया जा रहा है। ये बैरागी है या भाई राजू, मैं अभी साबित करता हूँ। अगर तुझे बैरागी को मारना है तो मेन सब्जी बाजार में आ जाओ। अभी नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। अब क्लियर हो जाएगा। अगर इसने हथियार उठाया तो कंफर्म हो जाएगा ये बैरागी है। उसके बाद खेल खत्म। सुना, अभी तलवार उठाओगे तो कंफर्म हो जाएगा तुम बैरागी हो। ये क्या सर, ये अपनी पुलिस एकेडमी की तरफ भाग रहे हैं? यहाँ सिर्फ 4 पुलिस है, वहाँ 400 पुलिस मिलेगी। पहचान लिया तो काम तमाम। डोंट स्टॉप, गो गो, हरी अप, फास्ट, चलो जल्दी। ऑल योर मार्क, आप आ जाओ। जब तक तुझे मार नहीं दूंगा पीछा नहीं छोड़ूंगा। देख रहे हो तुम? देख रहा हूँ कि पेंटिंग अच्छी है या पेंटिंग करने वाले। तो देख लो। अबे रोक ले, कंट्रोल कर अपनी आंखों को, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। कंट्रोल। क्यों बे, ये लड़की तुझसे प्यार करती है और तू इनकार करता है? तू दिखने में मेरे जैसा लेकिन है नहीं। तू मेरा डुप्लीकेट है तो तू ही डबल एक्शन दिखा ना। ओवर एक्शन। ऐसी लड़की को लाइन मारने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं और ये तुझे लाइन मार रही है। पेन में जैसे कैप चिपकता है और तू इतना गैप दे रहा है। तू मेंटल है क्या? सेंटिमेंटल। मैं अभी उससे प्यार नहीं करता। आखिर क्यों, बैरागी की बहन है ना। सो व्हाट, बैरागी ने मेरी जान बचाई है। जान गई खड्डे में, ऐसी लड़की को खो देगा तो जान का क्या करेगा? बात तो सही है, मुझे एक्शन दिखाना होगा। अपना एक्शन छोड़ और उसके लक्षण देख। सुन, पास से दूर जाने के लिए 1 मिनट काफी होता है लेकिन दूर से पास आने के लिए जिंदगी निकल जाती है। जो तू बोल रहा है मुझे बिल्कुल सही लग रहा है यार। चांद जैसी लड़की तुझे देख रही है और तू अपनी शक्ल चंद्र ग्रहण जैसी क्यों बना रहा है यार? एक बार तेरा फॉर्म चला गया उसके बाद ये कितना भी घिस ले बॉल सही नहीं पड़ेगी। अब बस कर। क्यों बस करूं? नहीं, मैं तुमसे नहीं कह रहा,
तू लाइन मार रहा है या मैं भागा के ले जाऊं? तू अंदर जा यार। अंदर क्यों जाऊं? तुमसे नहीं कह रहा हूं। सर वो बैरागी की जिंदगी के साथ खेल रहा है और आप इत्मीनान से पेपर चेक कर रहे हैं। अब ये लीजिए सर, उसे अभी फोन कीजिए और सबको छोड़कर आने के लिए कहिए सर। क्यों आने के लिए कहूँ? उससे कहूँ कि जो कहानी सुनाई थी वो गलत है। तुम सबको सिर्फ उस शिक्षाप्रद कहानी की कहानी याद है, पर उसे उसके शिक्षा अच्छी तरह याद है। शिक्षक होने के नाते मुझे उसके आचरण पर गर्व का अनुभव हो रहा है। गणेश के टुकड़े टुकड़े करके उसे काटना होगा। मेरा नाम सुनते ही पूरे शहर में दहशत फैल जाती थी और अब उस पुलिस वाले के डर से मुझे भागना पड़ रहा। ऐसे ही चलता रहा तो इस शेर को चूहा बनना पड़ेगा। वो इस वक्त मेरे साथ जो भी कर रहा है वो उसे बहुत भारी पड़ेगा। उसकी जिंदगी में मैंने सुनामी ना ला दिया तो मेरा नाम नहीं। अरे वाह, तुमने कितनी सही बात बोली। इसे पकड़ो। अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल सही कनेक्ट हुआ हूं। उस कमीने ने बेवकूफ बना के मेरी शॉर्ट फिल्म बनाई, लेकिन तुम्हारे लिए तो उसने रियलिटी शो प्लान किया है। फिर से आ गया मेंटल, भाग यहां से। पहले मेरी बात सुन। उस गणेश ने इसके साथ जो प्लान किया उसे सुनकर तू मेंटल हो जाएगा। क्या कहना चाहता है तू? ए बैरागी, इस पागल की बात मत सुन तू। अरे नल्ली, तुझे बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। ऐसे रिटायर गुंडों को अपने साथ रखोगे तो तुम्हारा सटर जल्दी क्लोज होने वाला है। तुम इस उल्फा बैच के साथ घूमना छोड़कर मेरे जैसे कुंफू बैच के साथ घूमना चाहिए, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। बकवास बंद करो, सोडा लेकर आ। सोडा लेकर आने के लिए मैं कोई सोडा मास्टर नहीं हूँ, मैं रिंग मास्टर हूँ। ये तो फिर से रिंग मास्टर बन गया। तो ठीक है, अपनी रिंग में जा। ये सही बोला। वैसे क्या बोला तुमने? अबे तू कुछ भी कर जा। कुछ भी नहीं, तुम्हें क्या चाहिए ये बोलो। तू यहाँ से जा। ठीक है, जाता हूँ। भाई आपको यहाँ एक बात बताने के लिए आया था। अब जाके मुझे याद आया है, घर में दूध का पैकेट खत्म हो गया है। ये ले जा, दूध लेकर आ। ठीक है, लेके आता हूँ। गाय का दूध लाऊं कि भैंस का? अबे किसी की भी लेकर आ। तेरे लिए बिल्ली का दूध लाता हूँ। आज रात ही उसे मारना है किसी भी तरह से। नहीं हो पाएगा, अपने सारे लोग उसकी बातें मानने लगे हैं। तो फिर बाहर से आदमियों को बुलाओ। लगता है ये कव्वाली का बैच भाई को छोड़ेगा नहीं। भाई के उठने से पहले इन्हें सुनाता हूं। क्या रे, भाई को मारने आया था क्या? मेरे होते हुए नहीं मार पाएगा। मेरे पंच की वैलिडिटी बहुत है यार, टाइम पर लग जाए। मैं कैसे मार रहा हूँ, तुम लोग कैसे ओढ़ रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हे टकले, मेहनत से सीढ़ी चढ़कर ऊपर आया है ना, शॉर्टकट से भेज देता हूँ तुझे। एंजॉय द एंटी ग्रेविटी इफेक्ट। सॉरी भाई, वो कपाली के छोकरे लोग आपको मारने के लिए फिर से आए थे, आपको डिस्टर्ब ना हो इसलिए उन्हें सुला दिया। मुझे नहीं गणेश, ये सब तुझे मारने आए हैं। इन लोगों को मैंने ही बुलाया है। भाई अगर मैं मर गया तो आपको बचाएगा कौन? मैं आपके बैकबोन जैसा हूँ, ये सब लाइटली लो। जाओ सो जा। ओके, मैंने बोला सो जा। ये मेरे लिए बैकबोन नहीं, बैक पेन है। इसे अभी खत्म करता हूं। नेताओं के झांसे में आकर वोट डालने वाला मैं वोटर नहीं हूँ, शूटर हूँ। तुम्हारी आंखों का गुस्सा बता रहा है कि तुम ही बैरागी हो। इतने दिनों तक मैं इसी सीन का वेट कर रहा था, अब तुम्हारा सीन खत्म हो गया, समझे? ये तो सिर्फ डरा रहा था, अब तुझे अंदर डालूंगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you, my dear. किसका बर्थडे है? आप इंग्लिश में वीक है इसलिए मैंने हिंदी में लिखा है। इन्हीं का बर्थडे। कब हुआ था इसका जन्म? बताता हूँ सर, हमारे भाई 1977 में 7वें महीने की 7 तारीख को 7:07 में रोते हुए पैदा हुए। और अब ये तुम सबको रुला रहा है। आप पे तलवार, आंखों में गुस्सा लग रहा है जैसे किसी को मारने जा रहा है।
मारने के लिए नहीं सर, कट करने के लिए। किसी का गला कट करने? केक सर। केक काटने के लिए कोई इतनी बड़ी तलवार नहीं उठाता। तो क्या है ना सर, बड़ी फैमिली है ना, तो बड़ा केक भी चाहिए और बड़े केक को काटने के लिए बड़ा हथियार भी तो चाहिए ना। प्रश्न चाहे जितना भी बड़ा हो, जवाब तेरा सरल होता है। तेरा बस चले तो तू दाऊद इब्राहिम को भी जॉन इब्राहिम बना देगा। केक काटने का टाइम हो गया है सर। भाई काटो ना। ऐसे क्यों देख रहे हो भाई, हर साल आप अपने बर्थडे में केक तो काटते ही हो ना। कम ऑन कट इट। अपनी बहन को और अपनों को पहले केक खिलाते हो ना। ये क्या है भाई, आप ऑर्डर भूल गए। नेक्स्ट अपने पेरेंट्स के पैर छुओ और उनके आशीर्वाद ले लो जल्दी। अरे ये सेंटीमेंट है या मैनेजमेंट? अरेंजमेंट। एंजॉयमेंट सर। हाँ भाई इनको भी खिलाओ, बुलेट से तुम्हारी तस्वीर बनाएंगे। स्टॉप इट। मुझे केक और जोक दोनों बिल्कुल पसंद नहीं। फिलहाल इस वक्त तो तू मुझसे बच गया है, लेकिन तुझे ससुराल पहुंचाने के लिए मैं यहाँ बार बार आता रहूंगा। He want to follow you। ये फेकू के रिएक्शन से आप रिलैक्स रहो। चलो जाओ जाओ सब जाओ। ए बब्बर शेर, ये तेरा कैसा बर्थडे सेलिब्रेशन है? तू इतना हट्टा कट्टा मजबूत आदमी है, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी बच्चों जैसा है। तुम्हें पता है ना वो तुम्हें कितना बेवकूफ बना रहा है, या फिर तुम्हें उस बारे में कुछ भी नहीं पता है? तू कौन है, तुझे पता है? वो कुंग फू मास्टर। और मैं कौन? बैरागी। ये कौन? नल्लू स्वामी। वो क्या है? केक। अब तू जो कहेगा मैं यकीन करूंगा, अब बोल। हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे केक एक बार चख लूं क्या? हां बटरस्कॉच। मैंने उसके डेथ डे का प्लान किया तो उसने मेरा ही बर्थडे प्लान कर दिया। मेरी फीलिंग्स से तो उसे कोई मतलब ही नहीं। उसके मन में जो आता है वो करता रहता है। हंसते हंसते वो मुझे नर्क दिखा रहा है। उसके प्यार के नाटक से मैं परेशान हो चुका हूँ। मैं उसे मारना चाहता हूँ, पर कुछ और ही हो रहा है। उसका गुस्सा बढ़ाने के लिए उसे जबरदस्त चोट पहुंचानी होगी। उसके माँ बाप को खत्म कर दो। मुझे आने में थोड़ी देर होगी। मुझे एबीएन कॉलेज में एक एग्जाम के इनविजिलेशन के लिए जाना पड़ रहा है। तुम कॉलेज में ही आ जाओ, हम वहीं से फंक्शन में चले चलेंगे, ठीक है? वहीं आ जाना। ओम गण गणपतये नमः। ओम जय हो गणेश जी। जितना जानता हूं उतना ही लिखा हूं, बाकी का आप संभाल लीजिएगा। भाई आपके पास पर्ची है ना? मुझे पता है गणेश जी ने भेजा है आपको, मुझे भी एक पर्ची दे दीजिए ना। भैया एक बार दिखा दो, भैया भैया जल्दी दिखा दो, भैया टाइम हो रहा है, भैया प्लीज भैया प्लीज। क्या हुआ इतनी जल्दी हो गया? जिंदा रहा तो फिर से एग्जाम दे दूंगा, मर गया तो। स्टॉप राइटिंग, हैंड ओवर योर आंसर शीट्स। बेटा तुम अभी एग्जाम दे रहे थे ना, कहाँ जाना है? पेट्रोल खत्म हो गया लगता है, आ जाओ मेरी गाड़ी में आकर बैठ जाओ। क्यों बेटा एग्जाम तो ठीक गया ना? क्या हुआ ऐसे क्यों घूर रहे हो तुम मुझे? बहुत देर इंतजार करना पड़ा। अरे बाप रे। चलिए 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 चलिए, वहाँ की सारी अरेंजमेंट्स हो गई हैं, लेकिन एंगेजमेंट रिंग तो हमारे पास है। अरे जी क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? ड्राइवर कार रोको, आओ आओ सब आ जाओ। हाँ संभल कर चढ़ो। हाँ हाँ आ जाओ।
बेटा मेरे पास बहुत ज्यादा सामान है, इसे तू पकड़ ले। बूढ़ी हो गई है ना, ज्यादा वजन नहीं उठाया जाता इससे। पकड़े रहो बेटा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या भाई, एग्जाम हॉल से मैरिज हॉल तक आपको गाड़ी में बिठा कर लाया गया। अभी आप यंग हो, आपका एंगेजमेंट हो रहा है, जरा देखो तो सही। दूल्हे वालों की तरफ से मेरे माँ बाप आपको यहाँ दूल्हा बनाकर लेकर आए। पर मेरा एंगेजमेंट क्यों? आप फिर से गैरेज न चले जाए, इसलिए आपकी मैरिज सेट की है। ए, बर्थडे में जैसे केक काटते हैं ना, वैसे ही टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं, खत्म कर दूंगा। किसको? मुझे सर। रात को मुझे सपना आया, भाई की धूमधाम से शादी हुई, उनके बच्चे हो गए। कह रहे थे सुबह तक इनकी शादी नहीं हुई तो मुझे मार देंगे। इसकी शादी तय हो गई? बेवड़ों की और भिखारियों की जब शादी हो सकती है तो इस मुस्टंडे की शादी क्यों नहीं हो सकती भला? लड़की का बाप कौन है? सारे अरेंजमेंट बिल्कुल पुख्ता है ना? आप ऐसे ही गए तो आपको कोई दूल्हा नहीं समझेगा, शादी में काम करने वाला समझेगा। जल्दी से कपड़े बदलो और चलो। अब देखना यह है कि यह शादी कैसे होगी। थैंक्स सर जी, इसलिए क्योंकि शादी तो आप ही करवाने वाले हो। मैंने क्या कहा और ये क्या कह रहा है? टाइम हो रहा है, दामाद जी कहाँ हैं? वो रहे सर। हाय दामाद जी। सर तुम कौन? इस एरिया का CI हूँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सब पर अपनी नजर रखो। मुझसे बचकर तू शेर के मुंह में जा रहा है, पता है वो कौन है? CBI चीफ, नाम है नागभूषण। कुछ भी अगर गड़बड़ किए तो बुलेट सीधे अंदर। वो फायर ब्रांड है तो मैं फायर इंजिन हूँ भाई। मिस्टर भाई राजू, दिस इज माई फैमिली। हमारे भाई सिर्फ भाई राजू ही नहीं है, भाई राजू BA, MA, MBA, MCOM, MCA, LLB, LIC। LIC? ये LIC क्यों है? क्या है ना कि LIC एजेंट का काम करते हुए इन्होंने सारी डिग्री की पढ़ाई कर ली। I see. हाँ भाई राजू। मेरी बेटी भाग्यलक्ष्मी, a girl with gun, भाग्या से, the only shooting. डैडी डैडी डैडी, ये मुझे बहुत पसंद आया, एक बार शूट करके देखो प्लीज डैडी। शादी के बाद शूट कर देना, आखिर जाएगा कहाँ, ये हमारा घर जमाई बनने वाला है। ऐसा लग रहा है मेरे कोर्ट ले जाने से पहले ही ये तुझे बेडरूम में मार देगी। सी मिस्टर भाई राजू, तुम्हारी डिग्री देखकर लगता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। मैं सिर्फ थर्ड डिग्री के बारे में जानता हूँ, इन सब डिग्रीज के बारे में नहीं। इन सब डिग्रीज पर मेरे भाई की अच्छी ग्रिप है, वो तुम्हारा नॉलेज टेस्ट करने वाला है। ओके? वो कुछ भी पूछे आप टेंशन मत लेना। वॉट? Who? Why? Yes? No? सिर्फ इतना बोल देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके? टेंशन मत लो भाई। Ready? Fire! स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया? What? Yes! स्टीम इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया। Right, Anna? Wonderful, wonderful! Next question, please. इंटरनेट में फाई के आगे क्या रहता है? Why? Yes! Right answer! High five! Yeah! Next question, please. बर्फ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? No. No? Snow! Right answer! Snow. Questions जरा tough पूछिए ना, please. इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? Whom? इंडियन कांग्रेस की स्थापना AO Hume. Correct है? Correct? Yes! Next question, please. डॉलर का सिंबल क्या है? S को दो बार सीधा काटिए तो बन जाता डॉलर, है ना? ये तो डॉलर को भी कट कर रहा है। मन में एक सवाल है, आपने सारी डिग्रीज तो हासिल कर ली, फिर ये MBBS क्यों छोड़ दी? भाई को ब्लड से डर लगता है ना? ये खोने को ब्लड से डर लगता है? अब बस करो ना डैडी, इंटरव्यू खत्म हो गया ना, अब शूट कर लूं डैडी। बेटी, दामाद जी तो पॉइंट ब्लैंक रेंज में ही है ना, आराम से शूट कर सकती हो। बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ। दामाद को ब्लैंक चेक देने वाला ससुर तो मैंने देखा है, पॉइंट ब्लैंक में शूट करने वाला ससुर मैं पहली बार देख रहा हूं। ये सब देखकर लगता है कि ये मैच फिक्सिंग है सर। मैरिज का मतलब ही मैच फिक्सिंग है। जनरल नॉलेज तो ओके है, दामाद जी नृत्य संगीत भी जानते हैं क्या? अबे नृत्य भी जानता हूँ, संगीत भी जानता हूँ, ये बीच में नृत्य संगीत कौन है बे? नया फिगर है क्या? ये डांस म्यूजिक है यार। अपन लड़के वाले हैं, अपन का डिमांड है, कोई अच्छा सा डांस स्टेप दिखाओ, समझे क्या? भाई पंच कैसा लगा? पंचर कर देने वाला लगा। लाइफ में इतने स्टेप्स करने के बाद स्टेज पर आया हूँ, यहाँ कौन सी मुश्किल है बताओ? कौन सी स्टेप देखना चाहोगे? वीणा वाला स्टेप दिखाओगे? आई
बड़ा पुराना स्टेप कर रहे हो भाई, अभी नया वाला दिखाएंगे। डांस बड़ा आसान होता है, तुम तो मैकेनिक हो ना, पंक्चर बनाते वक्त रिम निकाल कर बोल्ट निकालते हैं ना, पंक्चर बनाते वक्त हवा भरते हैं ना, हल्का हल्का पिछवाड़े को हिलाते रहो ऐसे, बस हो गया। सिर्फ वो लोग ही डांस कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते क्या? क्या है कि यहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है ना, तो हम लोग दूसरे लोकेशन पे जाते हैं। कहाँ गायब हो गए? क्या हो रहा है ये? शस्त्रा? वो लोग भैया को मार रहे हैं। मौत, मौत के पास। बैरागी तुम्हारी जान है ना? यहाँ तुम्हारी जान जा रही है। जल्दी से आ जाओ वरना उसकी लाश भी नहीं मिलेगी।
दिल की धड़कनों के साथ यही सोचता रहा कि मैं तुझे कैसे मारूं। आज मिला है तू, सारे हिसाब चुकता करूंगा। तुझे मारने के लिए मुझे अपने दुश्मन से हाथ मिलाना पड़ा। हेल्प के नाम पे हेल दिखाएगा तू? ये सब मैंने आपको खुश रखने के लिए किया है भाई। तू मरेगा तब मुझे खुशी मिलेगी। अब ये मर चुका है, इसे भूल जा तू। ये क्या किया तूने? धोखा। हार्ट अटैक से भी डेंजर होता है। ये एरिया तुम्हारा नहीं, हमारा है। इसके रहते तुझे मारना मुश्किल था, इसलिए इसे तेरे ही हाथों मैंने आज मरवा दिया। अब तेरा काम हो चुका वैरागी, अब इस सिटी का मैं हूँ वैरागी, मैं हूँ वैरागी। भाई को मुझे मारने का अधिकार है, क्योंकि मेरी जान भाई ने ही बचाई है। भाई को मुझे मारने का पूरा राइट है। एक बार फिर आपने मेरी जान बचाई। नहीं नहीं प्लीज, इसे मेरी हेल्प मत समझो, तुम्हें अपना आदमी समझकर मैंने बचाया है। एक बार तुम्हें बचाकर मेरी जिंदगी प्लेटफॉर्म बन गई है, अब मेरा पीछा करना छोड़ दो प्लीज यार, प्लीज। आपने एक बार फिर से मेरी जान बचा ली है भाई, तो आपकी जान बचाने के लिए मैं सोचिए क्या करूं। ओहो यार, तू समझता क्यों नहीं? इस तरह क्या देख रहा है? तो इतने दिनों तक यही सोच रहा था ना कि ये मेरे साथ क्या करेगा। इसने तुम्हें पुलिस ऑफिसर बना दिया। कौए का और तुम्हारा कोई लिंक जरूर है। तेरी जिंदगी को प्लेटफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म दिया इसने, और ये सब इसने मेरे साथ मिलकर किया है। मैं इसका चाचा हूँ। एक दिन तू उस कपाली गुंडे से डर कर भागा था ना, वो टू के रन। पुलिस ग्राउंड में जो कुछ भी तूने किया वो सब फिजिकल टेस्ट था। तुम जो उस दिन मुझे मारने आए थे एग्जाम के हॉल में, वो तुम्हारा रिटन टेस्ट था। आज सिर्फ तुम्हारी एंगेजमेंट ही नहीं हुई, पुलिस इंटरव्यू भी हुआ।
डिपार्टमेंट के द्वारा किए गए सारे टेस्ट में तुम फिट हो। अभी तुम और मैं सेम डिपार्टमेंट में हैं। ये लो तुम्हारा ट्रेनिंग ऑर्डर। तुमने ये सब क्यों किया? उस भवानी को मारने आए थे तब आपने कौन सी ड्रेस पहनी थी, जरा याद करो ना भाई। उस ड्रेस में आप अच्छे लग रहे थे, मुझे लगा आप पुलिस वाले हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि पुलिस खुद आपको ढूंढ रही है। आपने मेरी मदद की ना भाई, इसलिए मैंने आपके साथ ये सब किया। आपको मैंने पुलिस वाला बना दिया और आपकी जिंदगी सुधर गई। असल में ये तेरे साथ क्या करना चाहता, तुझे कुछ पता भी है? पुलिस बनाना चाहता है तुझे? खत्म कर दे इसे, खत्म कर दे। तुम लोग को देख के बहुत खुशी हो रही है, तुम लोगों के लिए चाय बनाऊं क्या? 1/5 स्ट्रॉन्ग या लाइट? जो कुछ भी है। शक्ति हर इंसान के पास एक समान होती है, पर उस शक्ति का उपयोग कैसे करना है।